नमस्कार आदाब शतश्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का आज के इस सेशन में अपनी पाठशाला पर और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जिन प्रमुख मुद्दों की उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो शुरुआत में ही जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहली खबर जो आज जानी जाएगी वो है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है रूस ये कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है कि अमेरिका में होता है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय और वहां जाएगा रूस बहुत सारी जानकारियां आज के सेशन में इस विषय पर जानेंगे इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर है कि हाल ही में भारत को नाटो के साथ जुड़ने का प्रस्ताव मिला है क्या भारत ज्वाइन करेगा नाटो आज के सेशन में जानेंगे इसी प्रकार से तीन खबरें अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो क्या है? कि महासागरों के अंदर 170 ट्रिलियन प्लास्टिक के कण मौजूद हैं ऐसा एक रिसर्च में पता चला है भारत के अंदर जो फिलहाल सेल हैं उनकी जो अपशिष्ट की समस्या है वो बड़ी विचित्र समस्या बन चुकी है और अंतरिक्ष में तीन अप्रैल यानी कल के दिन एक बहुत ही खास खबर रही थी कि एक समय तीन अप्रैल को दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के साथ कब छोड़ा गया था उनके बारे में आज के सेशन में आप चर्चा करेंगे तो बहुत ही शानदार खबरें आज के सेशन में आप जानने वाले हैं आपसे गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दें और जानना शुरू करें क्या कुछ खास है लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन घड़ी के टिक, टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर यानी हमारा हर मिनट हमारा हर दिन हमारा हर सप्ताह हर महीना लगातार बीतता जा रहा है यदि आप आज भी बैठकर यह विचार कर रहे हैं कि मैं एक दिन ऐसा करूंगा तो शायद आप बहुत देर से सोचने की सोच रहे हैं आपने या तो वो दिन बेहतर था जिस दिन आपने काम करने की ठान ली थी या आज वो दिन है जिस दिन आपने जो निर्णय लिया है उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए क्योंकि भविष्य का जो अंदाजा है वो आपको इससे नहीं लग सकता कि आपका एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्विमिंग पूल के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति ये डिसाइड करे कि मुझे जिस दिन स्विमिंग आ जाएगी उसी दिन मैं पूल में उतरूंगा बिल्कुल वैसे ही साइकिल से बैठने से पहले एक व्यक्ति यह विचार करे कि मैं साइकिल पर तभी बैठूंगा या साइकिल तभी चलाऊंगा जब मैं जानता रहूंगा ज्ञानिंग लाइफ अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसे आप अपने अनुभवों के साथ नए क्रम की तरफ ले जा सकते हैं तो जरूर आज से जो भी आपने निर्णय लिए हुए हैं आज से मेरा मतलब है कि जो भी आपका दिन आज बने उस दिन आप अपने बारे में निर्णय लीजिए उन्हें एग्जीक्यूट कीजिए क्योंकि जीवन बहुत छोटा है एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से आपको करने हैं मेरे साथ में आज मेरे साथी उपस्थित हैं अजय सूरज विक्की आरती पीकू अन आशीष बी सिंह अजय शिवम मनीष आनंद मोनिका सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी से सेशन को साझा करिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है जबरदस्त है, है अध्यक्ष बन गया है रूस शानदार खबर खबर क्यों शानदार है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इतने दिनों से रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है वही यूएन जो अमेरिका में अपना मुख्यालय रखता है वहां का अध्यक्ष रूस बन गया है जबरदस्त खबर है इस खबर की गंभीरता पता है आप कैसे पता लगा पाएंगे हाँ पहले तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह महत्वपूर्ण है ही संगठनों से विचित्र मतलब महत्वपूर्ण है ही इसका महत्व आप इससे लगाइए कि दुनिया भर में शांति के लिए संस्था समझी जाती है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर पांच परमानेंट मेंबर हैं पांचों परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है दुनिया में शांति की जिम्मेदारी उन्हीं की है आज जहां दुनिया के 141 देश जिसके खिलाफ वोट कर चुके हैं दैट इज रशिया वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया है एक महीने के लिए आप पूछेंगे किसने बना दिया साहब ये इनके नियम के अनुसार यूएन का नियम है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट रहा था अब रशिया की बारी है रशिया इस समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर प्रेसिडेंसी कर रहा है है की अब दूसरी बात सुनिए आपको पता यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय है बड़ा सवाल है अगर आपको याद हो जब अमेरिका की प्रेसिडेंसी थी तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब न्यूयॉर्क यात्रा पर गए थे आपको याद होगा वो एपिसोड जिसमें पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का एक बयान जिस पर जयशंकर साहब ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी वो जमाना याद होगा हमने अपने सेशंस पर खूब किया है इंस्पायर इंडिया पर भी खूब किया है ध्यान आ रहा है ऐसे ही अब जब इनकी प्रेसिडेंसी है तो रूस की तरफ से रूस के विदेश मंत्री सरगे लोबरो क्या अमेरिका जाएंगे बड़ा सवाल है जाएंगे तो सही लेकिन क्या अमेरिका उन्हें आमंत्रित होने देगा क्यों सब उनके ऊपर तो सेंक्शन लगे हुए हैं प्रतिबंध लगे हुए हैं कि वो अमेरिका आ नहीं सकते यूनाइटेड नेशंस में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है आज के सेशन में हम यही जानेंगे और तो और यूक्रेन कह रहा है कि इससे ज्यादा और क्या मजाक बन सकती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कि जिस देश के खिलाफ 141 देश यूएन के अंदर वोटिंग कर चुके होंगे वो देश उसकी अध्यक्षता करेगा अपने हिसाब से मुद्दे डिसाइड करेगा इंटरेस्टिंगली जो अमेरिका अपने द्वारा प्रतिबंध लगा चुका है पुतिन और सरगई लेवरोव पर क्या वो आ पाएंगे अमेरिका कचब से? और सबसे बड़ी बात जब आपने इनको पहले ही वॉर क्रिमिनल अनाउंस किया हुआ है प्रतिबंधित अनाउंस किया हुआ है और अगर ये आपके यहां आ गए तो क्या आप इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे इंटरेस्टिंग है साब देखिए रशिया अजूम्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी डेस्पाइट यूक्रेनियन एंगर रशिया रन टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दिस मंथ यूक्रेन से इट्स दी वर्स्ट अप्रैल फूल जोक यानी अप्रैल फूल का मतलब इनके ऊपर अप्रैल फूल का काफी बड़ा इंपैक्ट है यूक्रेन का रिएक्शन यहां जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन मसले पर रूस के खिलाफ एक देशों को अमेरिका करने में कामयाब हुआ था आप यहां खबर देखते हैं यूक्रेन से सिंबॉलिक ब्लो और सबसे बड़ी बात देखिए इस बात को ना भारत भी मल्टीपल टाइम उठाता आया है बात क्या उठाते हुआ आया है

क्या संभव है कि रूस को निकालकर भारत को मेंबरशिप दे दी जाए यह तमाम बातें और सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सारे देश एक हो जाएंगे क्या कोई प्रोविजन ऐसा है बहुत सारी चीजें हैं आज के सेशन में जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आगे दे 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 आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है जिसमें दैमित्रिकुलेत्री को ले कौन है दैमित्रिकुले कौन है दैमित्रिकोले यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं उनका द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने बकायदा ये बताया कि किस प्रकार से रूस के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करके इतनी बड़ी एजेंसी की मजाक बनाई जा रही है और तो और रिमेत्री कोलेवा ने कहा कि रशिया की यूएनएससी प्रेसिडेंसी जो है वो एक तमाचा है उन इंटरनेशनल कम्युनिटीज के ऊपर आई अर्ज दी करंट यूएनएससी मेंबर टू इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि जब चौबीस फरवरी दो हजार बाईस को रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट शुरू हुआ था उस समय पर छब्बीस फरवरी के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जहां पर न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का मतलब हेड ऑफिस है उस यूएस ने पुतिन पर और लेवरो के ऊपर प्रतिबंध लाद दिए थे प्रतिबंध लादने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लोग अब यूएस की यात्रा नहीं कर सकते जिस यू जिस न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का ऑफिस है वहाँ नहीं जा सकते ये खबर आप कब की देख रहे हैं 26 जन 26 फरवरी 2022 की कौन कौन लेवरो और पुतिन जबकि अब अगर प्रेसिडेंसी रशिया के पास है तो संभव है कि लेवरो को जाना पड़े देखना होगा दुनिया को इन प्रतिबंधों के बावजूद क्या यूनाइटेड नेशंस अमेरिका का गुलाम बन गया है क्या यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में होने का मतलब यह समझा जाए कि यूएन पर केवल और केवल अमेरिका का अधिकार है बड़ा सवाल बनता है कि अगर अमेरिका के अंदर सरगई लेवरोव के आने पर पाबंदी है तो क्या इस तरह से यूनाइटेड नेशंस में भी आने पर पाबंदी मानी जाएगी तमाम प्रश्न है साथियों और ऐसे प्रश्नों में रशिया ने कहा कि यूएस वीजा उन्हें अब तक नहीं मिला है यूनाइटेड नेशंस में जाने का यह खबर दो से तीन सितंबर 2022 की है मतलब यह है कि आपको यूएन में भी जाना है तो आपको अमेरिकी वीजा लेना होगा इससे ज्यादा आप क्या मानेंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिका के इतने जबरदस्त कब्जे में है दुनिया को जो दिखाया जाता है है क्या वाकई में यूएन वैसा ही है? अगर वैसा होता तो आज अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में स्थित यूएन जो कि अंतरराष्ट्रीय पीस की बात करता है वो केवल अमेरिकी वीजा पर निर्भर ना होता सर्गे लेवरो को भी अगर अपनी बातें रखनी है तो उन्हें यूएस में जाने का इजाजत मिलना चाहिए था गजब हो रहा है साथियों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर और दस नॉन परमानेंट के बारे में हमने आपको कई बार पहले भी बताया है आपको याद होगा हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा पुतिन के ऊपर आरोप लगाया गया आईसीसी के द्वारा इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है

न का दावा है कि साहब वंस अपॉन ए टाइम हम हम लोग हम लोग यूनाइटेड यु, यु, घ का हिस्सा हुआ करते थे सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे यूक्रेन और रशिया मिलकर कुल पंद्रह देश ऐसे थे जो यूएसएसआर का हिस्सा होते थे यूएसएसआर जो है वो असल मायने में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर हुआ करता था लेकिन यूएसएसआर का विक्टर 1991 में हो गया उसके बाद पंद्रह देश बने उनमें से फिर रशिया को ही क्यों प्रेसिडेंसी दी गई ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ था पंद्रह देशों को संयुक्त रूप से प्रेसिडेंसी मिलनी चाहिए थी यूक्रेन की यह डिमांड यूक्रेन का का कहना है है। कि रशिया गलत तरीके से 1991 के के बाद में का में प्रेसिडेंट बना बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल मेंबर वास्तविकता उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना होना चाहिए चाहिए था। क्योंकि के अंदर था? क्यों क्योंकि अंदर चाहे बेलारूस हो चाहे बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो इन सबको संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए केवल रशिया को ही मेंबरशिप क्यों दी जाए इस ग्राउंड को आधार मानकर यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन वालों आप में से इस रशिया को पहले ही बाहर निकालो आपको मैं बता दूं यूनाइटेड नेशंस जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित की गई वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि कल को तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए आपको याद होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही कम समय में अंतराल में हो गए थे इसलिए दुनिया वालों को ये बड़ी चिंता थी कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो कहीं तेजी से ना हो जाए इसलिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें सारी दुनिया की ताकतवर एजेंसीज एक साथ बैठे और दुनिया के सब देशों को एक मंच पर लाया जाए इसी क्रम में यूएनएससी का गठन किया गया था आज परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं जो यहां पर पांच परमानेंट मेंबर हैं उनमें से ही एक मेंबर ऐसा है जिसके खिलाफ अन्य सारे मेंबर हो रखे हैं हाँ वो बात दूसरी है कि रशिया को कभी कभार चीन का समर्थन मिलता है लेकिन ऐसी स्थिति में क्या औचित्य रहा उस यूएन का जिसकी जिम्मेदारी वर्ल्ड वॉर को रोकने की थी और आज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते वापस से तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं उतनी ही तेजी से बनती जा रही हैं ये सवाल निश्चित ही लोगों को असमंजस में डालता है यानी कि एक प्रकार से इस यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएनएससी की जो मेंबरशिप है वो प्रेसिडेंसी के साथ साथ न केवल रूस को बहुत बड़े संकट में डालती है बल्कि यूएन की साख के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है आपको मैं बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल में वर्तमान के अंदर जो पंद्रह परमानेंट मेंबर हैं पांच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें से पांच परमानेंट मेंबर हैं चाइना फ्रांस रशिया फेडरेशन यूनाइटेड किंगडम और यूएस ये तो पांच परमानेंट मेंबर हैं और जो दस नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें फिलहाल भारत नहीं है भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप खत्म हो चुकी है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्बानिया ब्राजील एक्वाडेर गैबोन घाना जापान माल्टा मोजाम्बिक स्विट्जरलैंड और यू ये पांच ये दस नॉन परमानेंट मेंबर यहां पर शामिल है कुल मिलाकर के पंद्रह मेंबर यहां पर दस नॉन परमानेंट और पांच परमानेंट मेंबर मिलकर के होते हैं ठीक है जैन आप नॉन काउंसिल मेंबर स्टेट भी कहते हैं यूएनएससी का काम क्या होता है यूएनएससी का काम होता है दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना बनाए रखने के लिए ये क्या करती है ये अपने द्वारा अगर आपस में ये सारे देश एक होकर निर्णय ले लें कौन से पांच परमानेंट मेंबर तो ये किसी दुनिया के देश के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के मतलब अफगानिस्तान पर अटैक हुआ था अमेरिकी अटैक कब जब आतंकवादियों के द्वारा अमेरिका में हमला किया गया था उसकी एवज में जब अमेरिका समेत जितने भी नाटो मेंबर्स थे वो अफगानिस्तान पर जब हमला करने आए थे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित किया था यूनाइटेड स्टेट्स के मिशन से जो कि यूएन के अंदर यूएस का जो मिशन है उनसे सवाल पूछा गया क्या सर्गे लेवरोव को आने की इजाजत दी जाएगी क्या इस स्थिति में अमेरिका उस मीटिंग का बायकॉट करेगा जिसको रशिया लीड करेगा इन तब सभी सवालों के जवाब में यूएस के द्वारा केवल एक ही जवाब दिया गया कि यह एक मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल संस्था है यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको किसी एक देश पर ही केंद्रित करने का कहीं कोई सही औचित्य नहीं है हम केवल यह मानते हैं कि हमें जितना पता है उस आधार पर यूएन की प्रक्रिया यथावत रूप से चलती रहेगी जवाब यूएस की तरफ से जो एम्बेडर नियुक्त हैं हैं मिसेस ग्रीनफील्ड जो कि नियुक्त यूएन के अंदर उनके द्वारा दिए गए थे प्रश्न पूछा गया मतलब उनके व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन से भी कि क्या लगता है कि रशिया की प्रेसिडेंसी किसी प्रकार से असर डालेगी तो उनका कहना है कि अभी आने वाला समय बताएगा हर जगह एक ही चीज इसी बीच में एक खबर और निकलकर आती है यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड वहां के एक सरकारी मतलब वहां के एक प्रमुख न्यूज चैनल ने एक खबर प्रकाशित की और उसका कहना था कि यूक्रेन के तो अधिकांश हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है रूस के कब्जे के कारण दुनिया जो है वो इस चीज को समझे कि आप रूस को रोकने में नाकामयाब रहे हैं बस आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसने इस प्रकार से एक खबर अभी हाल ही में मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर चला दी ये अगेन एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि पोलैंड ने जिस प्रकार से पुतिन को आइसोलेट करने के लिए वेस्ट पर प्रेशर क्रिएट किया वो दूसरा मैसेज ये भी देता है कि क्या पुतिन कामयाब हो गए हैं यूक्रेन पर कब्जा जमाने में हालांकि ये सारी खबरें मार्केट में तो चल रही हैं लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो किसी दुनिया के देश ने ना रूस ने यह घोषणा की है कि उसने यूक्रेन पर कब्जा पूरी तरह कर लिया है ठीक है अच्छा अब सवाल बनता है कि यूक्रेन चाहता क्या है ऐसी स्थिति में जब रशिया के द्वारा यूएनएससी की की प्रेसिडेंसी जा रही हो तो जवाब है 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 यूक्रेन ने दुनिया वालों से कहा है, क्या कहा क्या कि भैया आप रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट से बाहर निकालिए बड़ा प्रश्न बनता है क्या वीटो पावर रूस से छीनी जा सकती है तो देखिए ध्यान से समझिएगा यूएन के जितने भी बॉर्डर हैं जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स के अंदर जितनी भी बातें होती हैं वो यूएन चार्टर के अनुरूप होती हैं, यानी कि एक तरह से समझिए जैसे भारत संविधान से चलता है ऐसे ही यूएन यूएन चार्टर से चलता है उस यूएन चार्टर के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी बात मेंशन नहीं है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि एक दस्तावेज का जिस पर की, मतलब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर वो क्या है कि सोवियत संघ से यूएन के अंदर मेंबरशिप रूस को दिया जाने का जो प्रस्ताव है वो भी एक लेटर पर साइन हो रखा है उसका भी कोई आधिकारिक रूप नहीं है मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट सीट है इन परमानेंट सीट पर लोगों की नियुक्ति का जो प्रस्ताव है असल में ये मतलब परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनको लाने का जो प्रक्रिया है ये अब तक दो बार बदली गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शुरुआत में जो आज देश बैठे हुए हैं यही सारे देश नहीं थे होने के लिए पांच ही देश थे लेकिन उन पांच देशों में नाम बदलाव चलता रहा पांच देशों में रशिया पांच देशों के अंदर अमेरिका यूके और फ्रांस ये तो तब से चले आ रहे हैं जब से यूएनएससी बना है लेकिन यूएसएसआर से रशिया का आ जाना और चीन के नाम में बदलाव होना क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना ये नाम का बदलाव होना जो है ये देखा गया 1971 के अंदर यूएनएससी के अंदर तो लोगों का कहना है कि जब नाम के अंदर बदलाव हो सकता है तो क्या यह संभव नहीं कि रूस को हटा करके यूएसएसआर के उस समय के सारे पंद्रह देशों को मेंबरशिप दी जाए या फिर जिस प्रकार से पहले ताइवान को हटा करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मेंबरशिप दी गई ठीक इसी प्रकार से किसी और देश को हटाकर किसी अन्य देश को मतलब इसके अंदर मेंबरशिप दी जाए यह प्रश्न बड़ा ही मह महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर एक जवाब निकल कर आता है अल्मा आटा प्रोटोकॉल से अल्मा आटा प्रोटोकॉल कहता है कि रशिया को उस समय जब यूएसएसआर टूट रहा था तब सारे देशों ने मिलकर अपना समर्थन पत्र सौंपा था उस समर्थन पत्र में यूक्रेन का नाम भी था जिसने यह कहा था कि यूएसएसआर के स्थान पर आपको यह प्रेसिडेंसी मिल जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी फिलहाल यही यूक्रेन आज जब प्रश्न उठाता है तो यह देखना होगा कि यूएन जो कि दुनिया को लेकर के अंतरराष्ट्रीय पीस की बात करता है उसके तो खुद ही कार्यकाल में इतने सारे लोचे हैं उन लोचों में से एक लोचा सीधा सीधा यह दिख रहा है कि उसने एक मेंबर स्टेट को बदल के दूसरे को बना दिया दूसरा एक देश को रिप्लेस करके दूसरे देश को डाल दिया तो क्यों नहीं आज रशिया की मेंबरशिप पर सवाल खड़े किए जाएं या क्यों नहीं आज किसी नए देश की एंट्री पर मतलब दाव लगाया जाए आपको याद होना चाहिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसे यूएनएससी के अंदर वीटो पावर मिल जाए ऐसी स्थिति में जब जब यूएन के अंदर संशोधन की बात होती है तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनकर आता है और वो बेहतरीन प्रश्न यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए है और वो प्रश्न ये है कि क्या आज भी यूनाइटेड नेशंस प्रासंगिक है मतलब क्या यूनाइटेड नेशन आज भी सिग्निफिकेंट है ये प्रश्न चिन्ह लगा करके जब छोड़ दिया जाता है तो इसके जवाब में आपको वो सारी बातें लिखने की आजादी है जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं जब से यूएन बना है तब से लेकर अब तक केवल यह बात बोलते हुए कि यूएन की स्थापना यह सोचकर की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा लेकिन रशिया यूक्रेन अपने आप में एक वर्ल्ड वॉर का रूप लेता जा रहा है यूक्रेन को दुनिया भर के देश अपने वेपन्स भेज रहे हैं रशिया के साथ और देश धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं पोलर व्यवस्थाएं क्रिएट हो रही हैं तो क्या यूएन जो है वो फेल हो रहा है और अगर यूएन को बचाना है तो यूएन में संशोधन किया जाना या यूएन के अंदर सुधार किया जाना अनिवार्य है और उन सुधारों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस पर आपकी राय क्या है है यह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कुल मिलाकर बात यह है कि क्या रूस को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद से बाहर निकाला जा सकता है नंबर एक संयुक्त राष्ट्र महासभा से रूस को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित अगर कर दिया जाए तो स्थाई सदस्य पहली बार में जैसे ही प्रस्ताव पारित करेंगे रूस खुद के खिलाफ खुद को वीटो कर देगा वीटो कर देगा तो बिल पास नहीं हो पाएगा लेकिन लोग कहते हैं कि यदि दोबारा यह प्रस्ताव बहुमत बहुमत से पास हो जाए तो बात बन सकती है दो पर होता छियासठ परसेंट ठीक है लेकिन ऐसी स्थिति में पांच परमानेंट मेंबर में तीन तो वोट दे सकते हैं कौन अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस ये तो वोट दे सकते हैं लेकिन बाकी बचे दो देश रशिया और चाइना जो कि अपने आप में पांच के अंदर चालीस परसेंट एरिया है अब जो चालीस परसेंट है ना वो चालीस परसेंट इसके दो तिहाई को पूरा ही नहीं होने देता ऐसी स्थिति के अंदर इसको हटाने की कोई भी संभावना या तरीका नहीं संभव हो पाता है ठीक है दूसरी बड़ी बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले को ले जाया जा सकता है और उसमें यह प्रूव किया जा सकता है यूक्रेन के द्वारा कि रशिया की जो एंट्री थी ना वो अवैध थी ऐसा कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है कि यूएसएसआर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रूस को चुना था इसलिए रूस को हटाया जा सकता है तीसरा यूक्रेन के तर्क के आधार पर रूस की सदस्यता के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि यदि दुनिया के ये सारे देश लामबंद हो जाए तो यकीन मानिए कि यूनाइटेड नेशंस से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी यानी कि गलती से अगर रशिया को हटाने की कोशिश करने के लिए ये लोग निकले तो संभव है कि रशिया इसको बुरी तरह से रिटेलिएट करे तो कहने का मतलब ये है फिलहाल के लिए कि सिक्योरिटी काउंसिल से किसको निकाला जाए किसको ना निकाला जाए ये केवल एक ख्याली पुलाव ही हो सकता है ऐसा कोई सीधी प्रक्रिया फिलहाल नहीं है जिसके तहत किसी को हटाया जा सके ठीक है हाँ ये बात सही है कि यूएन के अंदर जो चार्टर बने हुए हैं वो आर्टिकल फोर के तहत है और यहां पर क्लॉज फिफ्टी वन है जिसके तहत यूएनएससी के किसी भी मेंबर को सेल्फ डिफेंस प्राप्त है किसी देश के ऊपर हमला करने का क्या यहां पर आर्टिकल यह जो क्लॉज फिफ्टी वन है जिसको ध्यान में रखते हुए रूस कहता है कि मैंने यूक्रेन पर हमला नहीं किया मैं तो अपनी हिफाजत कर रहा था मुझे पता था कि उस तरफ रशिया के खिलाफ प्लानिंग हो रही है मैं तो इसलिए सामने वाले देश पर अटैक करने गया इस कारण से रशिया अपने आप को यूक्रेन पर हमला करके मोरली करेक्ट सिद्ध करता है कि मैंने यूक्रेन पर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि मेरे खिलाफ वहां पर प्लानिंग चल रही थी ऐसा तो हर देश कह सकता है दूसरे देश के बारे में लेकिन बस वही बात है कि यूएनएससी अब प्रासंगिकता को पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा चुकी है ठीक है उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई हो वेस्ट बंगाल पीसीएस के अंदर सवाल पूछा गया था कि कौन सा देश ऐसा है जिसके पास वीटो पावर नहीं है यूएनएससी के अंदर पांच ही देशों के पास वीटो पावर है उनमें से अगर आप देखें तो कनाडा के पास में वीटो पावर नहीं है उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी इस जानकारी में जो मेजर फोकस रहा वो किन बातों पर रहा नंबर एक बात कि क्या रशिया की प्रेसिडेंसी को हटाया जा सकता है दूसरा क्या रशिया के ऊपर से क्या रशिया को वीटो पावर से, क्या रशिया का वीटो पावर छीना जा सकता है नंबर तीसरा क्या रशिया को यूएन से बाहर निकाला जा सकता है नंबर चौथा क्या ऑलरेडी यूएन के अंदर पहले से गड़बड़ थी क्योंकि यूएसएसआर की जगह रूस को और रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को डालकर यूएनएससी पहले ही नियम तोड़ चुका है इन सभी प्रश्नों के जवाब उम्मीद है आपको इस सेशन के अंदर मिल चुके होंगे अगर आपको ये जवाब मिल गए हैं तो आपसे गुजारिश कर लेते हैं गुजारिश ये है कि सेशन के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो उस बटन को क्लिक कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो क्योंकि आपके उस क्लिक करने से आपको खबर पहुंच जाएगी और हमारे साथ में आपका जुड़ाव तय हो जाएगा और उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है आपसे यही गुजारिश है हाँ जी आ, हरीश पटेल का एक सवाल है कि सर आर देखने के बाद दा हिंदू पढ़ना चाहिए क्या आ, मैं अभी हरीश आपको जब सवाल कराऊंगा ना आज के क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर चार और क्वेश्चन नंबर पांच ये तीनों क्वेश्चन दा हिंदू के ही हैं देखो क्या होता है बेटा द हिंदू पढ़ने से मैं नहीं रोकूंगा जैसे जब हमारा पेड क्लास चलता है ना अपनी पाठशाला पे तो मैं खूब सारी डिटेल देता हूं जैसे कल से हमने मैपिंग शुरू की मैंने बहुत सारी डिटेलिंग दी लेकिन फिर भी मैं किसी से ये नहीं कहता कि वो बुक ना पढ़े क्योंकि बेटा बुक से ही हमने सीखा है और बुक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती हैं ऐसे ही करंट अफेयर की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रूप में अगर कोई जानी जाए ना तो वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है मेरा यह कहना रहेगा आप सबसे जो भी मेरे साथी हैं अगर आपको वाकई में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो एक काम करिए जब मेरा सेशन सेशन हो जाता है ना उसके बाद बाद उस खबर को दोबारा पढ़िए इससे आपको दो फायदे होंगे क्या मेरे सेशन के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको वो टाइटल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या होगा आपकी वॉकअलरी में सुधार होगा तीसरा पॉइंट आप इंग्लिश राइटिंग में फ्रेमिंग सीख पाएंगे देखिए अगर किसी टाइटल को आपने खुद ने पहले पढ़ा उसको समझने में मेहनत की मेरे सेशन को देखने के बाद अगर आपको लगता है कुछ और करना है तो फिर द हिंदू से उसे पढ़िए फिर भी मैं एक बात आपसे बोलूंगा कि मैं आपसे ये इनकार नहीं करता कि ये मैंने इन सेशंस को करा करके द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को कंप्लीटली कवर करा दिया है मैं ये अश्योर आपको जरूर कर सकता हूं कि इन दो दिन मतलब इन दोनों अखबारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी और मुझे कैसे लगी मैं उसको सिलेबस से रिलेट करके देख लेता हूं कि ये सिलेबस से रिलेट है या नहीं जैसे मैंने आपको अभी ये यूएन यूएन वाला क्वेश्चन क्वेश्चन कराया इस UN वाले के अंदर सीधा है अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में ये सवाल पूछा जा सकता है क्या यूएन से किसी देश को बाहर निकाला जा सकता है क्या यूएन का आ, आज, यूएन की जो स्थिति है वो अप्रासंगिक हो गई है क्या इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने ये न्यूज ली मतलब हमारे किसी भी क्वेश्चन को लेने के पीछे का जो औचित्य होता है वो सिलेबस से कनेक्शन होता है अब मैं ये तो कहता नहीं हूं कि मैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड हूं कि मुझे सब पता है कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस में आपसे क्या बात बोल रहा हूं कि मैं आपको अखबार पढ़ने से नहीं रोक रहा आप अवश्य पढ़िए लेकिन हाँ अगर आपके पास समय अभाव है और आपको लगता है कि नहीं सर मैं आप पर रिलाय कर सकता हूं तो आप इस सेशन पर रिलाय करें और ये सेशन 90 परसेंट से ज्यादा पोर्शन कवर करता है ये मैं प्राउडली कह सकता हूं 90 परसेंट से ज्यादा क्योंकि हम इसमें एनवायरमेंट भी लेते हैं हम इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लेते हैं हम इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध भी लेते हैं हम इसमें भारतीय राजनीति भी लेते हैं ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से होलिस्टिकली कवर हो जाता है और रही बात इकोनॉमिक्स की अगर कोई भी चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आती है तो हम इसमें जरूर कवर करते हैं ठीक है हाँ जी तीन तारीख के बाद बैच लेंगे तो वर्ड ज्योग्राफी मिलेगी कि नहीं मनोज बेटा अभी जो बैचेस शुरू हुए हैं उनमें आपको वर्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैपिंग मिल रही है जो वर्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो इस मंथ के कंप्लीट होने के बाद फिर से शुरू हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा चिंता ना करें आपके बैच में मिल जाएगा मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें वर्ल्ड मैपिंग से एंट्री की है तो आपको वर्ड ज्योग्राफी मिलेगी ही नहीं मिल जाएगी थोड़ा सा समय के बाद में उसको हम आपके लिए ले आएंगे ठीक है हाँ जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैंने बच्चे जो पूछ रहे हैं देखो भाई आप में से बहुत से लोगों ने हमसे डिमांड ये करी थी कि टेस्ट को पूरे टाइम के लिए ओपन रखना टेस्ट को पूरे टाइम के लिए ओपन रखते हैं तो फिर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता कौन सा मिनिमम टाइम के अंदर विनर को डिस्कस करने का आप मुझे बताइए आपकी दो तरह की चाहत थी पहली चाहत कि सर टेस्ट को पूरे टाइम ओपन रखिए रविवार वाले को हमने रख दिया अब पूरे टाइम ओपन रख दिया हम अब आप में से विनर कैसे ढूंढे अब तो सारे क्वेश्चन सही करने वालों के नंबर बहुत बड़े हो गए विनर कैसे ढूंढे अब <laughs> आप मुझे बताइए हैं कोई लॉटरी चलेगी क्या इसमें लॉटरी का कोई सवाल बनता नहीं है ठीक है आपके साथ में हमने पहले टाइम फ्रेम निश्चित कर रखा था दस से साढ़े दस के बीच में टेस्ट लेंगे और जो सबसे फास्ट करेगा उसको विनर कर देंगे लेकिन अब दिन भर में किसी ने कभी भी टेस्ट दिया वो तो कभी भी बहुत फास्ट दे सकता है हमारे लिए आप दुविधा खड़ी ना करें हमारी टीम बार बार यही बोल रही है सर अब आपने पूरे टाइम के लिए टेस्ट खुलवा दिया तो विनर कैसे डिसाइड करें क्राइटेरिया क्या रखें आपको लगता है कोई क्राइटेरिया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हम देख लेंगे ठीक है सर ऐप पर कोर्स परचेज करने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए दोबारा पे करने की कह रहा है बेटा आपने जिस जिस बैच में एंट्री ली है आप उस पर टिके रहिए आपको वही सब मिलेगा वर्ल्ड मैपिंग से जो हमारा बैच शुरू हुआ है यहीं से आपको सारा बैच आगे मिलता चला जाएगा है ना वर्ल्ड मैपिंग है इसी में आपको आगे चल के इंडियन ज्योग्राफी आएगी इंडियन मैपिंग आएगी और जो आपकी वर्ल्ड जोग्राफी वाला पोर्शन है वो मिलेगा आप दूसरे बैच में क्यों झांक रहे हैं कल को इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे बैचेज आने वाले हैं इसमें मैं बहुत सारी चीजें लेके आने की प्लानिंग कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है कि आपको हर बैच के अंदर जाके देखना है आप अपने बैच पर फिक्स रहिए और बैच में क्या चल रहा है ऑब्वियस बात है वो बैच अलग होगा भाई अगर आज मान लीजिए कि मैं आपके साथ में जर्नलाइज बैच चला रहा हूं हो सकता है कल को मैं स्टेट पीसीएस के लिए डेडिकेटेड बैच लेकर आऊं तो उस स्टेट पीसीएस के डेडिकेट बैच के अंदर आप अगर उसे जाकर देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बाई का ऑप्शन दिखाएगा इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो बैच आप में है अभी जिस बैच में आप हैं उसी में फिक्स रहिए आप ठीक है अच्छा ऐप में एग्जाम को छोड़कर रेगुलर क्विज प्रैक्टिस के लिए कोई बंदोबस्त हो सकता है क्या राजा राम ये ऑप्शन ये अच्छा दिया है आपने राजा राम एक काम करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए उसमें खूब सारे टेस्ट डलवा देते हैं ठीक है थीके? मैं टीम से चर्चा करता हूं उसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए जोग्राफी के चैप्टर वाइज टेस्ट और वो सबके लिए ओपन कर देते हैं आप बढ़िया से उन टेस्ट को दो अपना रिहर्सल करते रहो बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक डलवा देते हैं उसके अंदर ये अच्छा आइडिया है है ना मैं मैं इस आइडिया को टीम को भेज भी देता हूं ठीक है टेस्ट के लिए क्वेश्चन बैंक डालना है ठीक है बोल दिया है मैंने और बताइए भाई साहब न्यूरोलॉजी गेमिंग लिख रहे हैं भैया प्लीज मुझे सपोर्ट कर दो भैया बाईस सौ किस खुशी में दिए हो पहले ये बताओ और सपोर्ट चाहते क्या हो तुम गेमिंग के अंदर इतने का तो तुम यार गूगल पे एडवर्टाइज ही चला देते मतलब मुझसे अगर ये सपोर्ट चाहते हो कि तुम गेम देखो बाईस सौ रुपए खर्च कर दिए हो तुम यार हा? क्योंकि मैं है ना जान तुम पैसे से अगर ये बुलवा दो कि गेमिंग को प्रमोट कर दो यार मार डालेंगे मुझको ये लोग मैंने वो कुछ कंपनियों के एडवर्टाइज़ कर दिए थे जबकि ये बता करके किए थे कि हाँ भाई ये एडवर्टाइज़ पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सही है उसके बावजूद भी मेरे कुछ अपने मुझसे बहुत खफा हो गए फाइनली मुझे वो रोकना पड़ा मैंने कहा भाई मैं सही होते हुए भी इन चीज़ों को रोक रहा हूँ और मैंने उसके बाद दोबारा वो विज्ञापन नहीं किया मरवाओ मत भाई मुझे ये ये जो देख रहे हो ना तुम ये जो हमारे साथ में जो हमारा परिवार है ये हमें नैतिक रूप से बांधकर जबरदस्त तरीके से चलता है, कि नहीं, आपको ये नहीं, करना है। <laughs> नहीं किया भाई कैमरे के सामने थ्रेड या जाला आ रहा है ऐसा यार ये मेरे कैमरे के सामने है कि तुम्हारे कैमरे के सामने आ रहा है ओके वाह 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 क्या गजब बालक था यार ये क्या नाम है इसका सुबोध दीक्षित मान गए गुरु यार जबरदस्त ये ऑब्जर्वेशन है आप समझे एक कोई छोटू सा तार था जो कैमरे के आगे मतलब तो जाला था जो लटक रहा था वाट ऑब्जर्वेशन गुरु यार इसका मतलब तुम बहुत ही जबरदस्त तरीके से देख रहे हो हैं बहुत बढ़िया बढ़िया आगे थैंक यू सो मच हाँ जी एक बालक कह रहा है आर के लिए बेटा मेरी प्रिपरेशन उसी दिशा में आगे चल रही है लेकिन ये जो बैच था ना जो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं ये अशोर कर रहा हूं कि आने वाले समय में मतलब ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है मतलब लेकिन छोटी छोटी आँखों से कुछ बड़े सपने देखे हैं मैंने और बड़े सपनों में सपना यही है कि एक दिन जब हम अगले फील्ड में उतरेंगे जो भी नेक्स्ट फील्ड होगा ये तो आप समझ ही रहे हैं लेकिन जिस तैयारी के साथ उतरेंगे वो तैयारी फिर पार ही लगाएगी और वो जो पार लगाने वाली तैयारी है ना उसकी ही प्रिपरेशन चल रही है अभी और बेहतरीन तरीके से चल रही है काम चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है ठीक है एक ऑफिस पूरी तरीके से इस काम के लिए बनवाया जा रहा है ताकि उस ऑफिस में बैठ क्योंकि अब यहां से आगे मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपनी कॉन्टेंट टीम जो है ना वो कंटेंट बहुत अच्छा आप लोगों तक उपलब्ध कराए अभी तक क्या करते हैं ना हम अपने एप्लीकेशन पर भी जो आपको कोर्स दे रहे हैं उसका आपको प्रिंट निकलवाना पड़ता है लेकिन वही कंटेंट अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक फॉर्म में भेज दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा हैंड रिटर्न नोट्स के रूप में भेज दिया जाए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा तो कुछ उस तरह से हम लोग काम करने की सोच रहे हैं और वो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है हाँ जी सर पेड क्लास के फाइनल कोर्स सर मैं पेड क्लास का स्टूडेंट हूं फुल मजा आता है पढ़ने में मैं लिखना भी भूलता हूं इतना इंटरेस्टिंग क्लास होती है लेकिन भाई साहब ये फाइनल कॉज जिन्होंने हमारी पेड क्लास की तारीफ की है आप चाहे पेड़ में हो चाहे आप हमारी यूट्यूब की क्लास में हो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है हमारे इन सेशंस को चाहे वो कहते ना बचपन में अपन कई बार पढ़ते पढ़ते गोले बनाते थे चाहे आप वैसे ही बैठे बैठे ड्राइंग बनाते रहिए लेकिन पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए भाई रीजन क्या है चाहे आप दो ही पॉइंट लिखें देखो हमारा जो दिमाग है ना वो क्या करता है जैसे मान लो आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपकी दो इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं आप इन दोनों के साथ साथ अगर अपना हाथ भी चला दिए तो आपका स्पर्श जो है ना वो भी ऐड हो गया भले ही आप उस लिखे हुए को दोबारा कभी ना पढ़ें लेकिन लिखने से है ना वो आपके दिमाग में छपेगा अभी जैसे मैंने पुराना क्वेश्चन कराया ना अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे कहने से आप पेन पेपर लेकर बैठिए उस क्वेश्चन में मुश्किल से आपको पांच पॉइंट ऐसे लगेंगे जो आपके काम के हैं उन्हें एक बार लिखिएगा फिर देखना आपका उस पर इंपैक्ट कितना जबरदस्त होता है चलो शुरू करते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं है ना आओ देखो भाई भारत को मिला नाटो के साथ जुड़ने का ऑफर क्या है ये कहानी आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूं नाटो अगेन जैसे दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस काम का है ऐसे ही नाटो काम का है जो लोग नहीं जानते नाटो क्या है मैं केवल एक बार सुर्खी बता देता हूं फिर आपको मैं इसकी डिटेलिंग देता हूं नाटो ओपन टू टाइज विद इंडिया नाटोज डोर ओपन फॉर मोर एंगेजमेंट विद इंडिया ऐसा अमेरिका ने कहा है डोर ओपन शुड इंडिया भी इंटरेस्टेड ऐसा यू नाटो की जो यूएस एम्बेसडर है उन्होंने इंडिया के लिए कहा है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो ठीक है अब जिसको कुछ नहीं पता वो फिर भी बहुत सारे मित्रों को बहुत कुछ पता होगा हल्की सी बात जान लीजिए नाटो है क्या नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कल की जो हमारी अपनी पाठशाला पर मैपिंग की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एटलांटिक ओशन दिखाया था और कहा था कि ये वो मैं, ये वो ओशन है जो लगातार बड़ा हो रहा है ध्यान आ रहा है उस एटलांटिक पूरब और पश्चिम में एक तरफ यूरोप है एक तरफ अमेरिका है इन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया था किस बात का गठबंधन बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ये डिसाइड होना था कि बड़ा देश कौन अमेरिका बड़ा या रशिया बड़ा यानी यूएसएसआर बड़ा यह बात क्यों बनी क्योंकि विजेता राष्ट्र जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे उनमें अमेरिका भी शामिल था और यूएसएसआर भी शामिल था ये दोनों एक साथ जीत कर आए थे रशिया अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन ये विजित राष्ट्र थे जीते हुए देश थे इन जीते हुए देशों में तीन देश तो एक जैसी साइकोलॉजी के थे पूंजीवादी साइकोलॉजी कैपिटलिज्म वाले और जो यूएसएसआर था वो साम्यवादी विचारधारा का था उसका मानना था वर्कर्स को ताकत दे दो देश अपने आप आगे बढ़ेगा इनका मानना था मालिकों को ताकतवर कर दो देश आगे बढ़ेगा कुछ हल्के आसान भाषा में ये समझ लीजिए दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है मैं जो सोचता हूं वो सही अगर आप भी यही माने तो सही मेरी सोच से आप कन्विंस नहीं है इसका मतलब आप वैचारिक मतभेद रखेंगे और जब वैचारिक मतभेद रखेंगे तो आप मुझे अपनी टीम का कैप्टन स्वीकार नहीं करेंगे बस दुनिया में कैप्टन बनने की लड़ाई होने लगी कैप्टन बनने लगा अमेरिका और कैप्टन बनने निकला यूएसएसआर कैप्टन से किस बात की विचारों की विचार क्या था अमेरिका का विचार था कि भाई मैं सोचता हूं पूंजीवाद एक अच्छी बात है रशिया यूएसएसआर कहता था नहीं मैं सोचता हूं साम्यवाद एक अच्छी बात है दोनों के बीच में कैप्टेंसी की लड़ाई दुनिया इस बीच में बढ़ गई जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कभी कभार आप लोग सोचते हैं रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा है कि विराट कोहली ज्यादा अच्छा है ठीक उसी प्रकार से दुनिया एक टीम थी और इसके अंदर दो लोग अपनी लीडरशिप निकालने निकल पड़े फिर क्या था अपने अपने पक्ष में लॉबिंग होना शुरू हुई लॉबिंग देखिए ध्यान से विजेता है दोनों की दोनों लॉबिंग कैसे शुरू हुई कि मेरे समर्थन में ज्यादा या उसके समर्थन में ज्यादा अमेरिका वालों ने अपने समर्थन में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नाटो यह सारी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो रही है नाटो के अंदर क्या हो रहा था अमेरिका चाहता था कि मेरे समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर खड़े हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तरफ था यूएसएसआर उसने कहा अच्छा तुम अपने समर्थन में लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हो तो यूएसएसआर ने अपने समर्थन में डब्ल्यू का निर्माण किया डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसने उसका गठबंधन किया वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसएसआर से सहमति रखने वाले देश थे नाटो के अंदर अमेरिका से सहमति रखने वाले देश थे हम कहां गए इंडिया वाले इंडिया वालों का भाई साहब हम ना तुम्हारे साथ ना हमारे साथ हम तीसरी विचारधारा मानते हैं क्या हम मानते हैं पूंजीपति भी होने चाहिए तो वर्कर्स के भी हितों का ख्याल होना चाहिए हम दोनों बातें मानते हैं इसका मतलब हम समाजवादी हो गए हमने गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत अपनाया जिसमें यह कहा कि भाई फैक्ट्री वालों को उतना ही कमाना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता हो बाकी समाज को दे दे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश में फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए या उद्योगपति बेकार लोग होते हैं नहीं हमने यह भी नहीं माना और हमने यह भी नहीं माना कि गरीबों को यूं ही छोड़ दिया जाए हमने यह भी माना कि सरकार गरीबों के अपलिफ्टमेंट का काम करेगी हमने बीच की विचारधारा जिसको समाजवादी विचारधारा कहते हैं वो अपना ली कुछ लोग कहते हैं समाजवादी का झुकाव बहुत ज्यादा साम्यवाद की तरफ है कुछ लोग कहते हैं समाजवादियों का अपना कोई ही नहीं होता है खैर फिलहाल इस आइडियोलॉजी को थोड़ा साइड में रखते हैं फिर क्या हुआ एक तरफ एक तरफ तरफ पूंजीवाद साम्यवाद भारत वालों ने कहा हम किसी भी तरफ नहीं है बोले ठीक है तो बोले फिर बोले हम अपना संगठन बनाएंगे कौन सा संगठन बनाएंगे नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई भारत समेत उस समय दुनिया के जो अल्पविकसित या जो मध्यम अल्प विकसित देश थे या फिर लोअर मिडिल क्लास के जो देश थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हम अपना ग्रुप अलग बनाएंगे इन बड़े बड़े देशों को अपना अपना संगठन बनाने दो हम ताजा ताजा आजाद हुए देश थे उन्होंने अपना संगठन बना लिया यह कब तक चला संगठन ये संगठन तब तक चला जब तक कि यूएसएसआर टूट नहीं गया यूएसएसआर कब टूटा 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया यूएसएसआर वही जो कि साम्यवाद की विचारधारा को प्रबलता से लेकर चलता था नाटो के प्रयासों से नाटो ने यूएसएसआर के अंदर इतनी आग लगा दी कि उसकी वजह से यूएसएसआर के बहुत सारे देश अपने आप को अलग देश मानने लगे ऐसी स्थिति के अंदर यूएसएसआर पंद्रह देशों में टूटा उनमें से सबसे बड़ा देश निकलकर रूस आया लेकिन बहुत सारे छोटू मोटू देश जैसे बेलारूस यूक्रेन कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सारे छोटे छोटे देश आर्मेनिया अजरबैजान लातविया लिथुआनिया ये जितने भी एस्टोनिया ये सारे देश इससे निकलकर आए अच्छा फिर क्या हुआ फिर ऐसी स्थिति में जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो डब्ल्यूटीओ स्वतः ही खत्म हो गया डब्ल्यूटीओ का कोई औचित्य नहीं बचा फिर कौन बचा फिर बचा नाटो नाटो का भी अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था क्यों क्योंकि लड़ाई वर्चस्व की थी तो जब यूएसएसआर ही नहीं बचा तो फिर आपने अकेले जीकर क्या करना लेकिन नाटो माना नहीं नाटो ने फिर भी कहा कि अगर अमेरिकी हैजीमोनी बना के रखनी है तो अपने साथ में इन लोगों को लेकर चलना होगा आज अमेरिका के समर्थन में तीस ऐसे देश हैं अमेरिका समेत तीस ऐसे देश हैं जो एक साथ रहते हैं चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा हो या फिर कोई सैन्य मुद्दा हो इवन एक दूसरे के साथ ये कस्मे खाते हैं कि किसी देश ने किसी एक देश पर गलती से भी हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्हें तीस की तीस देश एक साथ सैन्य प्रतिक्रिया देंगे ये थी नाटो की अवधारणा वर्तमान में नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है उम्मीद है आपको यह बात यहां तक समझ में आ गई हो अब आगे पॉइंट बढ़ता है सर नाटो के अंदर भारत का क्या महत्व है क्या भारत नाटो का सदस्य बनेगा आजकल जो सुर्खियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं क्या नाटो ने भारत से कहा है कि आपका स्वागत है आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं याद रखिएगा हाल ही में नाटो के अंदर एक और देश की एंट्री होने वाली है रास्ते लगभग ओपन हो चुके हैं फिनलैंड के लिए क्यों क्योंकि तुर्की ने रेटिफाई कर दिया तुर्की ने क्या रेटिफाई किया हमने पहले भी बताया फिलहाल के लिए समझिए कि ये तीस से इकतीस हो सकते हैं कभी भी सुर्खियां आ सकती हैं तीन आज की जो तारीख है दैट इज फोर्थ ऑफ अप्रैल कल की तारीख है फिफ्थ ऑफ अप्रैल फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ अप्रैल के दिन आज के दिन ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मिनिस्टेरियल मीटिंग चल रही है किन देशों की नाटो देशों की और उस मिनिस्टेरियल मीटिंग के अंदर बुलाया गया है जापान को और ऑस्ट्रेलिया को ध्यान दीजिएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया नाटो मेंबर नहीं है लेकिन नाटो देशों ने इन दो देशों को वहां इनवाइट किया है सवाल था कि क्या इंडिया को आमंत्रित करेंगे आप उन्होंने कहा अभी तक इस विषय पर चर्चा तो नहीं हुई है लेकिन इंडिया का हम वेलकम करते हैं मतलब क्या है वो गठबंधन जो अपने पक्ष में अमेरिका और उसके समर्थक लोगों को रखना चाहता है उसने क्वाड के चार देशों में से तीन को तो एक साथ ऑलरेडी ले रखा है लगता है चीन गलत नहीं था चीन ने पहले ही कहा था क्वाड को देख करके कि यह क्वाड एक्सटेंडेड नाटो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया जापान भारत और अमेरिका ने मिलकर जो क्वाड का गठन किया है यह क्वाड असल मायने में अमेरिका की इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर क्वाड को बढ़ाने की रणनीति है जिसके तहत जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि नाटो मेंबर नहीं है फिर भी मीटिंग में शामिल होने के लिए ब्रसेल्स चले गए हैं इसीलिए संभावनाएं बड़ी बनती हैं कि क्या आने वाले समय में भारत नाटो का मेंबर बनेगा इंटरेस्टिंग है ना ये सारी जानकारियां आज समझनी है क्यों क्योंकि असल मायने में यूएस की तरफ से जो नाटो के अंदर जो एम्बेसडर हैं उनसे ये सवाल किए गए थे उनसे ये जानकारी ली गई थी जिनका नाम है जूलिया ने स्मिथ जो कि यूएस की एनवॉय है नाटो में उनसे ये प्रश्न पूछे गए थे इंडिया के बारे में तो उन्होंने कहा नाटो डोर इज ओपन टू मोर कॉपरेशन इफ इंडिया सीक्स दैट यदि भारत को लगता है तो हम भारत के साथ चलने को तैयार हैं नाटो इज मोर देन हैप्पी टू सिट डाउन एनी टाइम विद इंडिया अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कभी कभार क्वेश्चन लिख करके भेज देते हैं क्या क्वेश्चन भेजते हैं मुझे कुछ बच्चे जो हैं एक बच्चा लिख रहा है सर मैं आपके हैंड नोट्स की टीम में आना चाहता हूं प्लीज बताइए एसडीटी बेटा जल्दी ही हम नेक्स्ट मंथ में एक ऑफिस बन रहा है मेरे यहां पे उसके बनते ही फिर एक बार वैकेंसी निकालेंगे है ना कुछ टीचर्स की वैकेंसी भी निकालेंगे जो कि कंटेंट का काम करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने का काम करेंगे और कुछ बच्चों के नोट्स के लिए भी काम करेंगे है ना क्योंकि अब ना हम अपने कोर्स के अंदर जो बीच में मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बालक बहुत देर से लिखे जा रहा है आने वाले समय में हम अपनी क्लासेस के अंदर डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी चलाएंगे बहुत सारे टीचर्स नियुक्त करेंगे जो आपके कॉल सेंटर पर भी होंगे वीडियो पर भी होंगे और वो सारी चीजें अपनी पाठशाला मैं आपसे बोल रहा हूं ना अपनी पाठशाला एक दिन आपके लिए वो लेवल टच करने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बस आपको तो इन्वॉल्व हो जाइए हैंड रिटर्न नोट्स की जहां तक बात है मैं नेक्स्ट मंथ वैकेंसी निकालूंगा आप उस समय अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिलहाल के लिए इसलिए गुजारिश है कि प्लीज एक बार सुनिए अब बड़ा सवाल दिमाग में बनता है कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज लिख के पूछते हैं क्या सर बाकी सब बातें सही हैं क्या नाटो में भारत को शामिल नहीं हो जाना चाहिए यह आजकल हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चन आते हैं हमें क्वेश्चंस भेजते हैं बच्चे आप हमारे कॉल सेंटर्स पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए अब उनसे पूछे जाए कि भाई फायदा क्या लगता है आपको भाई साहब फायदा यह है अमेरिका और उसके जैसे सारे ताकतवर देश भारत के साथ होंगे तो फिर चीन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा बहुत अच्छी बात है हमने कहा एक बात बताओ ऐसे एक काम ना करें चीन के साथ दोस्ती कर लें जो आज पाकिस्तान ने कर रखी है वो चीन के साथ कर लेते हैं हाँ सर यह भी तो सही है बुराई क्या है अब मैं आपको बुराई बताता हूं आपको लगता होगा कि फायदे फायदे हैं, बुराई ये है नाटो मेंबर बनाकर अमेरिका ने तीस देश ऐसे बना लिए जो कि उसके परमानेंट ग्राहक हो गए वो किसी और से सामान नहीं खरीद सकते आप समझो अमेरिका की चाल हमको क्या लगता है अरे अच्छा तो है हमारी सुरक्षा में यह आ जाएगा अरे खाक सुरक्षा में आ जाएगा वो नाटो देशों को किसी और देश से सामान ही नहीं खरीदने देता कहता है डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदना है अमेरिका से खरीदो फिर क्या करोगे मार्केट में मोनोपोली खराब होती है सुना था ना किसी गठबंधन में शामिल होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है नुकसान यह कि आपको उनका सही को सही और गलत को भी सही मानना पड़ता है ऐसी स्थिति में आपको उन्हीं के बाजार को भी अपनाना पड़ता है उनका देश कह देगा कि हमारा माल खरीदो खरीदो नाटो मेंबर्स की मजबूरी है ये जितने में चिपकाता है उतने में फ्रांस में किस नाम पर अमेरिका विरोधी दंगे हो रहे हैं किस बात पर कि अमेरिका ने रशिया से तेल मंगवाना तो बंद करवा दिया और खुद से कुछ भेज नहीं रहा यही जर्मनी में हो रहा है और खुद से जो भेज रहा है वो बहुत महंगे दाम पर बेच रहा है अमेरिका तो असल में नाटो के नाम पर खुद का मार्केट बना रहा है आई बात समझ में तो नाटो या कोई भी संगठन कोई भी चीज कोई भी संगठन अच्छा क्यों नहीं है भारत वालों ने क्यों समझा इस बात को सबसे मित्रता होनी चाहिए ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर भारत का कंसेप्ट वसुधैव कुटुंबकम सब परिवार के सदस्य हैं कारण एक बार एक बार से ले लो दूसरे के खिलाफ लॉबिंग शुरू हो जाएगी ये करना ही नहीं है अब बात कर लो चीन की सेम वही बात है चीन को आप एंट्री दे दो कि चल तेरे को मित्रता करते हैं चीन का ऑब्लिगेशन क्या आ जाएगा मेरे हर सही को सही मानो मेरे गलत को भी सही मानो और किसी और देश से व्यापार मत करो लॉबिंग बेकार चीज है ठीक है इसलिए भारत इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रणनीति लेकर चलता है ठीक है नाटो ने भले ही हमारे लिए द्वार खोल दिए हो इंपॉर्टेंट यह है कि ये द्वार आज के नहीं खुले हुए शुरुआत से हैं इंडिया इंडिया जब चाहे आ जाए लेकिन इंडिया ने कभी भी इस चीज को एडमायर नहीं किया ठीक है प्रधानमंत्री ये, ये, वो ये जो खबर है रायसीना डायलॉग के, के केस में भी इन्होंने अपनी बातें रखी थी जब ओ फाउंडेशन द्वारा रायसीना डायलॉग रखा गया था तब भी यह बात निकलकर आई थी अच्छा लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि सर नाटो के अंदर इतने सारे देश शामिल हैं देखो ये सारे अधिकांश यूरोप के देश कनाडा यूएसए बढ़िया बढ़िया जो देश दिखाई देते हैं सब इसके अंदर शामिल है तीस देश शामिल है लेकिन सर दो के अंदर एक खबर थी लेकिन वो खबर बाहर नहीं आ पाई थी अचानक बाहर आई है कब आई असल में क्या हुआ इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज छाप दी क्या छापी इसके बाद में थोड़ा मामला सुलटता सा नहीं दिखा क्या न्यूज थी 12 अक्टूबर 2022 की न्यूज है जिसमें लिखा है ऑफ पब्लिक ग्लेयर इंडिया हेल्ड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक विद नाटो एग्री टू कीप द डायलॉग गोइंग मतलब समझ रहे हैं आप मतलब समझ रहे हैं इंडिया ने हाल ही में क्या किया ध्यान से सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैं क्या बता रहा हूं ऑफ पब्लिक ग्लर इंडिया हेल्ड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक विद नाटो ये जानकारी हमें थी ही नहीं हम तो सोच रहे थे हम तो गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले हैं हम तो सोच रहे थे स्वतंत्र नीति वाले हैं लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने 2022 में खबर प्रकाशित की जिसमें बताया कि सर 2019 में इंडिया वालों ने नाटो से मीटिंग की थी और वो मीटिंग किसी को भी जानकारी नहीं दी थी जब यह प्रश्न बहुत ज्यादा उठने लगा तो फिर हमारे प्रवक्ता से सवाल पूछा गया इस बात का चीन ने हमसे आनंद भी लिया मौकरी बनाई हमारी हमने सवाल पूछा हमारे स्पोक पर्सन से कि कुछ ऐसा हुआ है क्या तो हमारे स्पोक पर्सन ने कहा हाँ हुआ है इंडिया ने नाटो से बातचीत की है इंडिया नाटो ही नहीं इंडिया सभी संगठनों से बात कर रहा है तो बोले इसका मतलब कम तो इंडिया भी नहीं है एक तरफ तो कहता है कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और दूसरी तरफ आप नाटो से बात कर रहे हो बोले बात का मतलब यह हुआ कि हम संभावनाएं तो तलाशें कि असल मायने में चल क्या रहा है हो सकता है कुछ ऐसा रास्ता निकल कर आ जाए जो कि अमेरिका के लिए भी रशिया के लिए भी चीन के लिए भी और भारत के लिए भी अच्छा हो जैसे तेल के केस में हुआ तेल के केस में क्या हुआ अगर हम बातचीत ही ना करते वेस्टर्न वर्ल्ड से तो इंडिया पर सेंशन लग चुके होते इसलिए भारत के साथ सेंक्शन ना लगना भारत की डिप्लोमेसी और टॉक के कारण हुआ यही तो इंडिया बार बार बोलता है डिप्लोमेसी डायलॉग और पीस ये दुनिया का आधार स्तंभ है इंडिया इसलिए डायलॉग करता है और इन्होंने भी यही कहा कि हम लोगों ने डायलॉग किया था बोले अच्छा तो तो सर एक बात बताइए नाटो का कुछ तो उद्देश्य होगा जैसे जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारा एक दुश्मन था उसका नाम ब्रिटेन था बोले बिल्कुल सही है ब्रिटेन को जैसे ही खत्म किया यानी ब्रिटेन को भारत से भगाया हमने फिर हमारा दुश्मनी कोई नहीं बचा फिर हमने क्या किया हमने आपस में दुश्मनी कर ली कैसे भारतीय राजनीति कैसे चली आ रही है आपको मालूम है भारत की राजनीति में देश की आजादी से पूर्व सभी पार्टियां एक साथ एक मुखर होकर के ब्रिटिशर्स को भगाओ 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 भगा दिया जैसे भगा दिया देश आजाद हो गया आजाद हो गया अब क्या करें अब किससे लड़ें चलो आपस में लड़ते हैं हालत यह होगी कि कांग्रेस तक में स्प्लिट हो गई जो कि स्वतंत्रता संग्राम को लेकर चली थी है? राजनीतिक पार्टियां लोकल लेवल पर राजनीतिक पार्टियां सब तरह की पार्टी 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 बनते चलो अब आपस में लड़ते हैं क्यों? क्योंकि जब तक आप देखिए अगर आपका उद्देश्य ही संघर्ष है आपका उद्देश्य ही युद्ध है तो संघर्ष के लिए रेफरेंस फ्रेम का होना जरूरी है रेफरेंस ही नहीं है तो क्या करोगे जैसे आप आप लोगों के साथ गर्मी के एग्जाम की छुट्टियों में होता था एग्जाम की जब छुट्टियां आती थी गर्मी के सीजन में आप लोग क्या करते थे फ्रस्ट्रेशन इतना कि क्या पढ़े जबकि आप पहले भी नहीं पढ़ते थे पढ़ते थे डर के मारे कि एग्जाम है उसमें फेल हो जाएंगे लेकिन जैसे ही वैकेशन आती थी इतना फ्रस्ट्रेशन कि यार अब करें क्या टाइम पास नहीं हो रहा जैसे पहले तो आपने किताबें रंग दी थी है ना एग्जैक्टली exactly ऐसे ही नाटो के लिए जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो ये किससे लड़ेगा किससे लड़ेगा इसलिए इन्हें एक और देश चाहिए था इन्होंने कहा देखो अब अपने लिए यूएसएसआर तो खत्म हो गया तो हमारे लिए लेकिन अब रशिया एक थ्रेट है बोले हा हा बिल्कुल कबूल है कबूल है हो गया अब उसके बाद में बोले यार रशिया तो छोटा टारगेट दे दिया अपन तो है थोड़ा बड़ा टारगेट बनाते हैं फिर इन्होंने इन्होंने चाइना को लपेटा इधर देखो कहा फर्स्ट टाइम एवर इट ऑल्सो मेंशन चाइना एज ए स्ट्रेटेजिक चैलेंज ये नाटो की मीटिंग है नाटो वालों ने अपने द्वारा क्या कहा पहली बार यह कहते हुए कि हमारे लिए चाइना एक चैलेंज है क्यों क्योंकि दुनिया को पोलराइज नहीं किया जाएगा देखो दुनिया में ये बहुत आसान सा, शासन करना है ना शासन करना अंग्रेजों को हम कहते थे कोसते थे फूट डालो राज करो असल मायने में ये दुनिया में शासन करने का जो आधार स्तंभ है ना इस कलयुग में वो ही फूट डालो और राज करो है अदरवाइज आप राज ही नहीं कर सकते लोग आप में कमियां निकालने लग जाएंगे ये फूट डाल आपस में लड़ाओ जैसे नाटो को देख लो नाटो क्या कर रहा है टारगेट दिखाओ बड़ा क्या है रशिया टारगेट है बोले अच्छा थोड़ा सा कमजोर हो गया यार ये तो एक काम करो चाइना है चाइना चाइना को थ्रेट बनाओ चाइना को थ्रेट बनाया अब चलता रहेगा काम अपना इसके डर से बड़ा हो जाएगा चाइना को करने के पीछे बहुत बड़ा यूएस की क्या डिप्लोमेसी है कि चाइना को इतना बुरा भला बना दो कि इंडिया साउथ साउथ कोरिया जापान ऑस्ट्रेलिया ये सब मेरे ग्राहक बन जाएंगे ये अमेरिका का टेक्निक ही तो है कि चाइना का डर पैदा कर दो और चाइना भी अपनी हरकतों में बाज नहीं आता वो इनको दिखाने के लिए फिर वो हमारे साथ पंगे लेता रहता है कुल अर्थ इस दुनिया में लड़ाकर संघर्ष कराकर वर्चस्व को कायम करने का है और यही कारण है कि युद्ध जो है ना वॉर जो है वो कई लोगों को बड़ा किक देती है क्यों क्योंकि वॉर से ही अंत में विजेता डिक्लेयर होता है अगर शांति रहती है तो अनुशासन खत्म हो जाता है ये बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें हैं अनुशासन खत्म हो जाता है लोगों का मानना है कई वॉर के ऊपर मतलब कई लोग जो कई कई योद्धा हैं वॉर फा, फाइट रलने वाले लोग हैं वो वॉर को बहुत फैसिनेट करते हैं कि वॉर बहुत अच्छी चीज होती है महाभारत के अंदर महाविद्वंस जो है वो पुनर्निर्माण का आधार स्तंभ बताया गया है ठीक है तो ऐसी स्थिति में ये जो डायलॉग बाजी है ये युद्ध को प्रमोट करती है खैर फिलहाल के लिए इंडिया पर फिर से आते हैं यानी इंडिया को यह चाइना का डर दिखा करके मिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप देख सकते हैं यूएस चाहता है कि एक नाटो प्लस टाइप का संगठन बने नाटो प्लस मतलब जिनमें देश नाटो वाले शामिल नहीं हो उसके अतिरिक्त देश भी शामिल हो जैसे साउथ कोरिया जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया इनको शामिल करके छह अन्य कंट्रीज को ऑस्ट्रेलिया जापान न्यूजीलैंड इसराइल साउथ कोरिया इनको शामिल किया जाए ताकि नाटो एक्सटेंडेड नाटो बन जाए और इस काम को करने में सबसे बड़ा फायदा किसका है अमेरिका वालों का और अमेरिका किस काम इस चीज में कामयाब हुआ क्या देखो इधर खबर देख लो आप दो फरवरी दो की खबर है जापान एंड नाटो बिल्डिंग टाइज टू काउंटर चाइना एंड रशिया

आइए तो मैं आपको बताता हूं इसके राज का क्या इलाज है रशियन एम्बेसी ने कहा कि वो इस बात को समझ चुकी है क्या कहा जरा देखो फॉरेन मिनिस्टर लेवरो है, उन्होंने कहा यूएस सेड नाटो इज ट्राइंग टू क्रिएट एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन इन इंडो पैसिफिक यूएस क्या कोशिश कर रहा है

कई बार बचपन में अपन खेल खेलते थे उस समय एक प्लेयर ऐसा होता था जो ऑलराउंडर प्रकार का होता था और जब हम अपना टीम बनाते थे, थे चाहे क्रिकेट का टीम बने चाहे कबड्डी का बने चाहे खो खो का उसको अपने साथ रखना यार तू हमारी टीम में रहेगा भाई उसको लेकर लड़ाइयां होती थी और वो बेचारा न्यूट्रल खड़ा होता था हम्म तुम भी ऑफर दो तुम भी ऑफर दो बैटिंग मैं लूंगा पहले ओवर मैं फेंकूंगा पहले एम्पायर भी बीच में मैं बनूंगा विकेट कीपिंग में मैं करूंगा। सारी शर्तें बना करके फिर वो व्यक्ति खेल में उतरता था इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हो रखा है इंडिया यूएस नाटो नाटो चिल्ला के इंडिया को लपेटने की कोशिश कर रहा है आपको याद होगा कल ही मैंने अपने इसी अपने आर एन एठशाला था इसी के अंदर डिस्कस किया जिसमें व्लादिमिर पुतिन ने जो हाल ही के अंदर फॉरन पॉलिसी रशिया की जारी की है उसमें क्या कहा है इंडिया जो है ना वो हमारा बहुत ही बढ़िया पार्टनर है हमारी सुरक्षा के लिए इंडिया और चाइना बेहतरीन पार्टनर है इंडिया कह रहा है hmm. खेलो अब वही खेला चल रहा है ठीक है आइए अब देखो मैंने खबर तो पूरी तरह से एनालिटिकल बता दिया आपको सारी जानकारी के साथ और पेपर में उदाहरण मैंने किसका दे दिया आरआरबी ऑफिशियल स्केल वन का ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए नाटो में कितने मेंबर हैं देखो इस पे बहुत बड़ा सवाल बन सकता है यूपीएससी का भी स्टेट पीसीएस का भी और वन लाइनर भी तो हमने आपको उदाहरण के अंदर वन लाइनर भी दे दिया है ठीक है हाँ जी अब एक और क्वेश्चन लेने की बारी आ गई है मोहम्मद साजिद लिख रहे हैं क्या सर पेड कोर्स में प्रिंटेड स्टडी मटेरियल का बुक फॉर्म मिलेगा बेटा मोहम्मद साजिद इतना सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे अगर उसका प्रिंटेड में निकाल कर दे दिए तो यार हमारा बजट बिगड़ जाएगा अगर आप चाहते हो ना तो एक काम कर लेंगे कि ये सारी बुकलेट्स जो बन जाएंगी इनको प्रिंटेड फॉर्म में आप डाउनलोड कर लेना या तो या हम प्रिंट निकालवा कर आपके घर भेज देंगे बेहतरन ये रहेगा आप कहीं से भी प्रिंट निकलवा लें प्रिंट का जो चार्ज लगेगा वो नॉमिनल होगा हमसे करवाओगे हमारी काफी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी हम जो प्रिंटेड मटेरियल निकलवाना चाह रहे हैं ना आप लोगों के लिए वो हैंड रिटन नोट्स का है हम सोच रहे हैं कि कुछ हैंड रिटन मटेरियल जो कि नोट्स टाइप के हों क्लास के थ्रू बने हुए हों वो आप तक लाए जाए ठीक है अंशु ने लिखा यू एन ट्वेंटी बिलियन का ट्वेंटी बिलियन ही है, में था, हमने 20 ही बोला है, है ना वेन विल यू स्टार्ट फर्दर रिमेनिंग कोर्सेज फॉर यूपीएससी कृष्ण अर्जुन बेटा करेंगे अभी हमारे साथ में ना हम पहले एक एक करके चीजें करना चाह रहे हैं हम चाहते तो एक ही बार में दस चैनल बना करके ये यूपीएससी के लिए ये स्टेट पीसीएस के लिए ये एसएससी के लिए सब कर सकते थे दुनिया ने किया ही है ऐसे लेकिन हमें नहीं करना था हमें पहले अपना पढ़ाना था हमारा कुछ कंटेंट ऐसा जो कि हमारा यूनिक है उसको एक बार तसल्ली से पढ़ाना था हमने कहा जल्दबाजी नहीं है ज़िंदगी खूब बड़ी है अगर मेहनत ढंग से की जाए हम उसी क्रम में निकले हुए हैं हम आप लोगों के साथ बेहतरीन कंटेंट देने निकले हुए हैं हम जल्दबाजी करने के मूड में आने का हमने प्रोसेस सोचा है उस प्रक्रिया में पहले कंटेंट रिटर्न तैयार हो है ना नोट्स तैयार हो तब जाकर के हम किसी भी अब एग्जाम में कदम रखेंगे बेहतरीन नोट्स तैयार हो बेहतरीन टीम तैयार हो बेहतरीन मटेरियल तैयार हो तब जाकर कुछ काम करेंगे वर्ल्ड बैंक की संस्थान कौन कौन सी थोड़ी समझा दीजिए प्रदीप अगली बार वर्ल्ड बैंक लाएंगे ना बेटा तब समझा देंगे है ना आलोक सर इंडिया को कभी भी नाटो में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर इंडिया चला गया तो रशिया से कुछ भी चीज परचेज नहीं कर पाएंगे बेटा वो दोनों ही बातें हैं है ना दोनों फायदे भी हैं नुकसान भी हैं तो हम अपनी जगह सही हैं आर्पित शर्मा बेटा हम समझ रहे हैं आपकी बात पर क्या करें चलिए आगे बढ़े अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है एनवायरमेंट के हिसाब से स्टेट पीसीएस यूपीएससी एसएससी वो तमाम विद्यार्थी जिनकी परीक्षाओं में एनवायरमेंट पूछा जाता है वो ध्यान दें क्या है एक खबर खबर क्या है महासागरों में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक के कण मौजूद हैं 170 ट्रिलियन प्लास्टिक के कण मौजूद हैं 170 ट्रिलियन प्लास्टिक के कण मौजूद हैं समुद्र के अंदर है आइए हम थोड़ी जानकारी देते हैं ये जरूरी क्यों है एनवायरमेंट के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से डिजास्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है यूपीएससी जीएस पेपर थ्री के लिए 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स आर अफ्लोट इन द ओशन वॉट इन न्यू स्टडी से अबाउट माइक्रो तो देखिए बाकी जो बातें हैं वो केवल डेटा है लेकिन ये जो शब्द है माइक्रो प्लास्टिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर यूपीएससी प्रिलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है आप में से कुछ लोग कहेंगे जब पूछा जा चुका है तो हमारे किस काम का भाई साहब जो सवाल पूछा जा चुका है वो दोबारा और भयानक रूप में भी आ सकता है स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है या अन्य वनडे प्लास्टिक पार्टिकल्स आर माइक्रो ये होता क्या है माइक्रो बताएंगे पांच एमएम mm से छोटा प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक कैटेगरी के, के अंदर डाला गया है पांच एमएम mm से छोटा सर पांच एमएम तो बहुत बड़ा होता है कितना बड़ा होता है लगभग इतना बड़ा ये पांच एम एम का साइज है बोले ये कैसे नाप लिया आपने बचपन में अपन एक पेंसिल यूज करते थे जिससे रबड़ रबड़ से मिटाते थे पेंसिल के ऊपर लगा होता होता था हैं देखा है वो का होता है वो mm साइज का अब दिमाग में लगा लो इतना सही तो होता था मैच कर लेना उसे आप ठीक है ना इधर देखिए तो यहां पर दे डोंट रियली ब्रेक डाउन इन टू हार्मलेस मॉलिक्यूल एंड मराइन ऑर्गेनिज्म मिस्टेक प्लास्टिक फॉर फूड और होता क्या है वो इतना छोटा प्लास्टिक होता है कि उस प्लास्टिक को जब वो समुद्र में तैर रहा होता है तो जो, जो मराइन है अब, अब समुद्र में तैर रहा है इससे छोटा part, ये, 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 ये। इतने छोटे छोटे पार्टिकल अगर प्लास्टिक के समुंद्र में है और कितने 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स अब सोचो आप प्लास्टिक का जो साइज है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रोटी का टुकड़ा डाला हो आपने कभी मछलियों को दाना खिलाया हो झील के अंदर नदी के अंदर तो आपने देखा होगा यह साइज खाने वाला ही है इस कारण से जो समुद्री जीव जंतु है ना वो इस पार्टिकल साइज के प्लास्टिक को खा जा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है जैसे आपने कई बार गायों को देखा होगा वो कचरे की पॉलीथींस जो होती हैं उन्हें खा जाती हैं कचरे के साथ साथ उन्हें खाना तो उस पॉलीथीन के अंदर रखा हुआ भोजन है लेकिन वो पॉलीथीन को हटाना नहीं जानती तो वो प्लास्टिक को निकल जाती है ये समझ करके कि ये भी खाद्य पदार्थ है और उसके बाद जो उसके जीवन में संकट आता है वो आपने देखा है कितना कितना किलो प्लास्टिक निकलता है जब गायों को मतलब सर्जरी की जाती है एग्जैक्टली exactly ऐसे ही ये जो फिशेज हैं ये फिशेज क्या खा रही हैं प्लास्टिक खा रही हैं अब आप सोचिए प्लास्टिक है क्या प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल है फॉसिल फ्यूल बोले तो भाई जो अपनी वो है ना फॉसिल फ्यूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव भाई सुपर थैंक्स भेजकर आप हमारे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं बहुत सारा प्यार आपको हाँ जी तो आप ध्यान से सुनिए फॉसिल फ्यूल जैसे अपने पेट्रोल डीजल ये फॉसिल फ्यूल में काउंट होते हैं ना इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट वो हाइड्रोकार्बन हैं कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं इन हाइड्रोकार्बन में पॉलीमराइजेशन हो जाए तो प्लास्टिक का निर्माण होता है उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पीवीसी की तो पीवीसी क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनाइल क्लोराइड एक हाइड्रोकार्बन है है ना ऐसे पॉलीथीन पॉली एथीन एथीन हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है फॉसिल्स है तो होता क्या है कि ये सारे पदार्थ जब मछलियों में पहुंचते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान मराइन इकोसिस्टम को तो होता ही है क्यों बड़ी मात्रा में मछलियों की जान चली जाती है लेकिन उन मराइन पार्टिकल्स के अंदर जो मछलियों के अंदर फॉसिल गया है वो पच नहीं रहा पच नहीं रहा तो क्या हो रहा है वो धीरे धीरे उसमें से कुछ पदार्थ निकलकर मछली के शरीर में आते चले गए शरीर में अवशोषित होते चले गए उन मछलियों को ही आप कांटा निकाल करके खा रहे हैं आप उन पे आप देखिए ना कोस्टल सिस्टम जितने भी कोस्टल स्टेट्स जितने भी हैं दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें मछली जो है वो एक मेजर फूड है मछली मेजर फूड है और उस मछली ने प्लास्टिक खा रखा है आप उस खाने को खुद खा रहे हैं आप सोचिए कितना ज्यादा कंटेमिनेटेड भोजन आप ले रहे हैं दूसरा प्लास्टिक बनाने के लिए रेडिकलाइजेशन किया जाता है अभिक्रियाओं में रेडिकलाइजेशन करते समय वो रेडिकल्स भी आपके शरीर में जा रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं इस वजह से प्लास्टिक जो समुंदर में हम भेज रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ठीक है इस वजह से हम इस विषय को इस प्रकार से चर्चा में ले रहे हैं ये चर्चा में क्यों आया किसने इस अध्ययन को किया माइक्रो क्या है क्यों ध्यान दिया जा रहा है वर्ल्ड तो के अंदर, अंदर जिनमें दो मेट्रिक मिलियन टन अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी ये जानकारी निकल कर आई है 2040 तक ऐसा हो जाएगा ये अध्ययन किसने किया है तो ये एक अध्ययन हुआ है एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फाइव गियर्स इंस्टीट्यूट जो कि ग्रोइंग प्लास्टिक कहां पर स्थित है तो ये स्टॉक होम के अंदर स्थित है इसने एक इस प्रकार से ये डेटा प्रकाशित करते हुए जानकारी दी है ये रहा फाइव गियर्स हाउ मच प्लास्टिक इज इन इसने रिपोर्ट निकाली है. देख लीजिए इन्होंने अपनी जानकारी देते हुए बताया है कि दुनिया में प्लास्टिक का कितना मात्रा उपलब्ध है ठीक है ना इन्होंने ने यह जानकारी कैसे निकाली तो इन्होंने बकायदा लिखा है फाइव गियर इंस्टीट्यूट इज ए लीडर इन ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन विद मोर देन टेन ईयर ऑफ एक्सपर्टाइज इन साइंटिफिक रिसर्च एंड एंगेजमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन इशू सिंस टू जीरो टीम हैज कंप्लीटेड नाइनटीन एक्सपीडिशन ब्रिंगिंग मोर देन थ्री हंड्रेड सिटीजन साइंटिस्ट कॉर्पोरेट एक्जीक्यूटिव ब्रांड्स एंड सेलिब्रिटीज टू दी गायरे लेक्स एंड रिवर्स टू कंडक्ट फर्स्ट हैंड रिसर्च ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी इन्होंने इस पूरे डेटा को कलेक्ट करने के लिए खूब रिसर्च की है तब जाकर ये डेटा निकाल पाए हैं ठीक है थीके? अच्छा अब एक चीज और जान लीजिए तो तो ये तो इनकी जानकारी हो गई इसके साथ साथ मैं आपको माइक्रो प्लास्टिक क्या है तो देखिए माइक्रो प्लास्टिक की जो परिभाषा है ना उसमें कहा गया है कि एक्सटेंस एक्सटेंसिवली डेस्क्राइब प्लास्टिक पार्टिकल्स जिनका अपर लिमिट पांच एम एम होता हो उन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कैटेगरी के अंदर रखते हैं क्लासिफिकेशन प्लास्टिक का कुछ इस प्रकार से किया जाता है पांच एम एम साइज कितना होता है तो आप ऐसे समझ लीजिए पेंसिल का जो आगे का जो बिंदी होती है वो एक एम एम साइज की होती है लेकिन उसको तोड़ दो तो वो दो एम एम साइज का भोटा सा हिस्सा बचता है और जो रबड़ है ना उसका वो पांच एम एम साइज का बचता है तो आप सोच लीजिए कि जो पीछे लगा हुआ रबड़ है पेंसिल का वो पांच एम एम है और इस साइज से नीचे जितने भी हैं वो सब माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं इनके पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको अभी बोलकर समझा दिया क्या प्रभाव पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया इनके कारण क्या हो सकते हैं कैसे आता है ये समुंदर के अंदर तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह लिख कर दिया है हिंदी में ये रहा मतलब तो आप इधर देख लीजिए सबसे पहला कारण क्या है मर्चेंट शिपिंग क्योंकि जो हम शिपिंग करते हैं उसके अंदर फिशिंग के कारण एक्वाकल्चर के कारण ऑफशोर ऑयल एंड ग्लैस प्लेटफॉर्म्स के कारण क्रूज शिप के कारण ये समुद्र के अंदर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है यह जो बातें मैंने यहां लिखी है ना आप लोगों को यह आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम की आती हैं। समुद्र में प्लास्टिक कैसे बढ़ रहा है अगर आप ये पॉइंट्स लिख करके आ जाएं तो आपका आंसर एक बहुत बेहतरीन आंसर माना जाएगा आप पूछेंगे इसको कैसे प्राप्त करें तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रखा है अपने टेलीग्राम का जहां पर ये सारा कंटेंट क्लास पूरी होते ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा ठीक है इससे निपटने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव दुनिया में शुरू किया गया है क्या जी हाँ इनिशिएटिव शुरू किया गया है कहा शुरू किया गया है देखिए दुनिया ने तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ मराइन लीटर शुरू कर रखा है जीपीएमएल और इंडिया ने जो है ना वो एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक मिशन निकाल रखा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल निकाल रखे हैं, जिनके तहत हम लोग प्लास्टिक पर कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है ना तो दुनिया की तरफ से ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर मराइन लिटर यानी समुद्र के अंदर जो कचरा है उसको हटाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मराइन लीटर जीपीएमएल शुरू कर रखा है इधर देख लीजिए दुनिया ने लीटर का मतलब गंदगी है उसको हटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया था 2012 में कि समुद्र से कचरा कैसे निकाला जाए मराइन पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए इसको कम करने के लिए जो कन्वेंशन बना था वो लंदन कन्वेंशन था जो कि नाइनटीन में इंप्लीमेंट किया गया था ठीक है ना तो एक प्रकार से यह समझिए कि समुद्री पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनमें अवधारणा केंद्रीय स्तर पर यूएन के के अंदर तो जीएमपी, 2012 में इंप्लीमेंट हो चुकी है इंडिया के अंदर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं ठीक है ना चलिए मैंने आपसे अभी कहा कि माइक्रो प्लास्टिक को आप अच्छे से याद कर लेना क्यों कर लेना देखो. 2019 का 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 है ना ये मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं आप सोचिए माइक्रोबीड क्या है जो बने बनाए सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जिनका साइज एक एम mm एम से छोटा है सोचो रबड़ की साइज जो थी ना रबड़ के टिप की जो साइज थी वो तो पांच एम एम थी पेंसिल की जो नोक है वो एक एम एम है उससे जो छोटा साइज है उसको नाम दिया गया है माइक्रोबीड तो ये उन दिनों चर्चा में था माइक्रोबीड ठीक है ना इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है ना तो आप इधर देख सकते हैं माइक्रोबीड के बारे में कि ये किससे संबंधित है तो ये मराइन इकोसिस्टम से संबंधित है क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है कहने का कुल मिलाकर मतलब क्या है

भारत की सौर फोटो वोल्टेज अपशिष्ट समस्या मतलब एक तरह से आज आज के सेशन में तीन चार पांच तीनों क्वेश्चंस जो है ना ये पूरी तरह से पॉल्यूशन बेस्ड ही हैं लेकिन अलग अलग डायमेंशन में है अब तक जो बचपन में हम पॉल्यूशन पढ़ते थे क्या पढ़ते थे वायु प्रदूषण जल प्रदूषण आज जो हम पढ़ रहे हैं अब जब हमारे बचपन में थे तब ध्वनि प्रदूषण एक नया टाइप था जो अलग प्रकार का लगता था आज हम क्या पढ़ रहे हैं मराइन पॉल्यूशन मराइन में भी प्लास्टिक पॉल्यूशन और फोटो वोटेक अब ये यह फोटो तो एकदम ताजा ताजा है किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी एक पॉल्यूशन बनेगा जी हाँ क्या है आइए मैं आपको बताता हूं मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ न्यूज ऐसी है जिनको हम द हिंदू से उठाते हैं एज इट इज तो द हिंदू ने ना इसके ऊपर एक प्रॉपर एक एक्सप्लेन लिया है आप पढ़ लीजिएगा दो तारीख को लिया था इंडियाज सोलर पुश आगर्स ए लूमिंग वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज इसकी वजह से आने वाले समय में इंडिया जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सेल है उसके वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी समस्या की तरफ आगे बढ़ रहा है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द टॉप फाइव लीडिंग वेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स ग्लोबली बाई दो हजार पचास व ट्वेंटी फिफ्टी तक भारत जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले टॉप पांच देशों में होगा जो कि सोलर पैनल के कारण पॉल्यूशन फैलाएगा अब आप पूछेंगे सोलर पैनल से पॉल्यूशन कैसे फैलता है मैं आपको बताता हूं ये सोलर पैनल की तस्वीर आपको दिख रही है आप इसे थोड़ा सा इस तरह से देखिए ये आपके सामने मैंने आपको एक बार और कहा था पहले भी डाउन टू अर्थ की कटिंग है ये डाउन टू अर्थ जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा मैगजीन पेपर माना जाता है टाइम्स रनिंग आउट इज इंडिया रेडी टू हैंडल ट्वेंटी टन ऑफ सोलर वेस्ट बाई ट्वेंटी यहां पे क्या लिखा है 2050 तक हम दुनिया के पांच बड़े प्रदूषकों में शामिल होंगे डाउन टू अर्थ में क्या लिखा है 2030 तक हमारे पास में कितना सोलर पॉल्यूशन होगा पता है सोलर की जो बिजली बनाने के लिए जो हम ये पैनल लगाते हैं ना सोलर पैनल इनकी लाइफ स्पेन जो है वो 25 से लेके 30 साल होती है अब आपने सोलर पैनल तो बना लिया अब ये सोलर पैनल यूज का बचा नहीं तो जब ये नहीं बचा तो फिर इसका कचरा बचता है अब ये जो कचरा बचा, भाई हो टन, एक टन, एक किलो होता है ठीक है ना तो इतना सोलर वेस्ट दो हजार तीस तक होने वाला है क्या हम तैयार हैं इसको हैंडल करने के लिए अच्छा ये तो इसमें लिखा है एक जगह तो ये नंबर बहुत बड़ा लिखा हुआ था मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको ठीक है ना तो आप इधर देख लो तो दुनिया के पांच जो इस समय सोलर वोल्टे मतलब ये जो वो बनाने वाले फोटोवोल्टिक सेल से प्रदूषक बनाने वाले उसमें इंडिया चौथे नंबर पर चल रहा है और देखो यहां एक अखबार की कटिंग में तो हमें ये जानकारी मिली कि 2030 तक 2 लाख टन एस्टिमेटेड है फोटो वेस्ट का वॉल्यूम अब कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई हमने तो दोनों ही दे दिए दोनों ही न्यूज पेपर तो आप तो ये मान लो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है दुनिया के चौथे नंबर पर भारत है जो ये पीवी पैनल हैं इनके वेस्ट को एडजस्ट करने की समस्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है ठीक है फोटोवोल्टिक सेल दैट हैव रीच्ड देयर लाइफ साइकिल बीन रिसाइकल्ड उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या क्या होंगी देखिए इनकी वजह से जो मात्रा है अर्थ में क्रोमियम की सिलिकन टेट्राक्लोराइड की कैडमियम की सेलेनियम की सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बढ़ जाएगी अब आप में से कुछ लोग ना एक बेसिक सवाल में अटकते हैं क्या अटकते हैं बोले सर एक बात बताओ ये जो चीज आपने हमें बताई है हमने कहा ठीक है सर ये भी तो कहीं ना कहीं अर्थ पे से ही निकाले गए हैं अर्थ पे से निकाले गए हैं वापस अर्थ में ही छोड़ दिए जा रहे हैं दिक्कत क्या है पॉइंट तो सही है आप लोग इस बात से तो सहमत हैं कि ये कहीं ना कहीं से तो खोद के निकाले आसमान में से तो टपके नहीं है बोले हां फिर मात्रा बढ़ कैसे जाएगी जब ऑलरेडी उतनी मात्रा है अर्थ पर तो ये बढ़ने की समस्या कहां से आ गई पॉल्यूशन कैसे हो जाएगा ये आंसर सुनिएगा बात ऐसी है पॉल्यूशन होने का अर्थ कैसे है इसको ऐसे समझिए सबको पानी की जरूरत है पीने के पानी की सबको जरूरत है बारिश की सबको जरूरत है लेकिन जब बहुत सारे क्षेत्र का पानी केवल एक ही जगह पर गिर जाए तो वो बाढ़ कहलाती है समझ रहे हैं आप यानी मेरे शहर का आपके शहर का सबके शहर का पानी एकत्रित किसी एक शहर में हो जाए बाढ़ हो जाएगी ना साहब क्लियर एग्जैक्टली exactly पॉल्यूशन के साथ भी यही है पॉल्यूशन क्या कह रहा है कि जब इतना सारा मटेरियल आप इधर उधर से ले आए ना वो कहीं एक जगह अगर एकत्रित एक हो गया तो पॉल्यूशन है यही पॉल्यूशन है समझ में आ गया इस वजह से ग्लोबली जो है इस बात को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। आपको अंदाजा हो आप जरा फैक्ट देखें 2002 में

शुरुआत में तो ऐसे ही चलता था फिर बाद में क्या होते थे टीवी पे प्रोग्राम आते थे देखने के लिए लोग उसी बैटरी को निकाल करके कि भाई टीवी चलाएंगे बाकी सब साइड में हटाओ तो फिर टीवी चलती थी उससे तो आप सोचो उस घटना को बीस बाईस साल हो चुके होंगे बीस बाईस साल पहले इंडिया में या दुनिया में दो मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हुआ करता था घीवा मतलब एनर्जी पैदा हुआ करती थी गीगा ठीक है अब सोचो आज यह नंबर बढ़कर के कहां पहुंच गया समझ रहे हैं मतलब पहले कुछ नहीं था बीस बाईस साल में इतना परिवर्तित हो गया मैं आपको ना इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से एक फिगर शो कर रहा हूं जरा देखिए आप इस फिगर को देखिए कि भारत में आज बिजली उत्पादन में फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल का क्या वो है योगदान है फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करते हैं ना फॉसिल फ्यूल बोले तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल एलपीजी एलएनजी इनमें भारत की आज ऊर्जा आवश्यकता की अगर हम बात करें तो भारत में नॉन फ्यूसिल फ्यूल की वजह से ऊर्जा आवश्यकता 57.4 तक पूर्ति होती है 28 फरवरी की यह खबर है ठीक है और अगर बात की जाए नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कि एक तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में मान सकते हैं जिन्हें उनकी वजह से आज बयालीस दशमलव छह फीसदी हमारी बिजली की आवश्यकता पूरी होती है हमारी एनर्जी की आवश्यकता में फॉसिल और नॉन फ्यूसिल का इतना योगदान है इन में जब हम सोलर पावर की बात करते हैं ना तो सोलर जो हमारे देश में है ये पंद्रह दशमलव छह फीसदी हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सोलर पावर प्लांट कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई सोलर पावर प्लांट की वजह से हमारे केस में इतनी परसेंट ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति देश में आज भी सोलर बिजली के कारण हो रही है बड़ा नंबर है ये पंद्रह परसेंट बहुत बड़ा नंबर है ठीक है ऐसी स्थिति में अब हमारे दिमाग में चिंता क्या बन गई कि हमने सोलर पावर को बनाने के लिए जो पीवी बैटरी लगाई पीवी जो फोटोवोल्टिक सेल लगाए अब ये बूढ़े हो गए बूढ़े हो गए तो इनको कहां डिस्पोज करोगे समस्या अब ये बन रही है तो सोलर पीवी वेस्ट जो है इंडिया के अंदर ये बड़ी समस्या है क्योंकि नवंबर 2022 तक हम बासठ गीगावाट बिजली का उत्पादन सोलर पावर फोटोवोल्टिक सेल से कर रहे थे और हमारे जो लक्ष्य हैं ये तो बहुत ऊपर है ऐसी स्थिति में हमारे यहां पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अब आप पूछेंगे हमारा जो पीवी सेल सेल बनता है 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 वो वो कैसा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बना सीसी टाइप का सेल है, जिसमें हमारे द्वारा सिलिकॉन का तो यूज होता ही है साथ में कैडमियम टेल्यूराइड का उपयोग किया जाता है तिरानवे परसेंट इसके अंदर सीसी मॉड्यूल यानी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है और सात परसेंट इसमें कैडमियम टेल्यूराइड होता है जिससे इसका निर्माण होता है ठीक है इसको फिर अब जनरेट हो गया अब जनरेट होने के बाद में सर इसका मतलब वापस से इसको रिसाइकल करने की बात चल रही है अब कोशिश यह है कि या तो इसको रिसाइकल किया जाए वापस से सारी चीजों को प्राप्त किया जाए या लैंडफिल्स में डाल दिया जाए लैंडफिल्स में मतलब जो गड्ढे खोद दिए जाते हैं उनके अंदर दिया डाल दिया जाए गड्ढों में डाल दिया जाएगा तो वो पानी से नीचे रिसके जाएगा पानी के अंदर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाएगी फिर एक नया बीमारी पैदा पैदा हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके लिए अब इलाज करने की आवश्यकता है तो भारत सरकार इससे निपटने के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है कर रही है और यह वाला पॉइंट याद रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है फोटो सेल जो है ना उसका वेस्ट प्रबंधन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंदर कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रूल ग्लो, जो मैंने 2022 का रूल डाला है उसमें सोलर फोटोवोल्टेक जो सेल है उनका प्रबंधन जो है वो मैनेजमेंट रूल 2022 में करने का प्रस्ताव दिया दूसरा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यूनियन बजट में जिसको किया गया जिसमें ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात की गई और लेटेस्ट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को प्रमोट किया गया है जिसमें कि हाई एफिशिएंसी वाले सेल जो 20-25 साल साल में नहीं ज्यादा तक के लिए सरवाइव करें ऐसी चीज हम लोग कर रहे हैं दुनिया क्या करती है फोटोवोल्टेज सेल का पॉल्यूशन रोकने के लिए तो दुनिया भर में फोटोवोल्टेज सेल रोकने के लिए तैयारी जो कर रखी है मैक्सिमम देशों में जो प्रोड्यूस करता है जो प्रोड्यूस करता है वही उस प्रोड्यूस प्रोडक्शन को कंज्यूम करता है यानी अगर आपने इसका उत्पादन किया है तो इसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखकर के है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो क्लियर हो गया यहां पर कुछ एक सवाल है जो आपसे पूछे गए हैं विद रेफरेंस टू दी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कुछ क्वेश्चन है सिलिकॉन वेफर वगैरह इन सबसे ठीक है हाँ जी क्या चल रहा है हमसे क्या छूट गया हाँ भाई सेशन को लाइक करो शेयर करो ये तो करना आजकल हम, आज कर हम भूल ही जा रहे हैं कई बार कहना डन हाँ इंजीनियर रीटा बिल्कुल रीयूज करने के ऊपर ही चर्चा चल रही है बेटा है ना पेड कोर्स लैपटॉप पे नहीं चल रहा है बेटा केवल मोबाइल पर ठीक है ठीक है, है। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर बहुत इंटरेस्टिंग खबर क्या क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने वाला देश कौन सा था आंसर है अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर जी हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोलर पावर आपको बात की ना फोटोवोल्टेक सेल की आपने कभी विचार किया है कि अंतरिक्ष के अंदर जब हम सैटेलाइट भेजते हैं तो सैटेलाइट इतने लंबे समय तक चलती कैसे रहती है मतलब लगातार घूमती रहती है घूमती रहती है तो उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए एनर्जी कहाँ से मिलती है फोटोवोल्टेक सेल से यही फोटोवोल्टिक सेल जिसकी चर्चा हमने लास्ट सवाल में की थी यहां से फोटोवोल्ट सेल से बिजली का उत्पादन होता है बिजली के उत्पादन से सैटेलाइट को बिजली मिलती है उस बिजली से वो सैटेलाइट घूमता है लेकिन फोटोवोल्ट सेल तो खोज ज्यादा पुरानी है नहीं उन्नीस के आसपास की खोज है फिर इससे पहले क्या होता था इससे पहले अमेरिका और यूएसएसआर सेटेलाइट को चलाते हुए रखने के लिए फ्यूल के नाम पर न्यूक्लियर रिएक्टर तक भेज दिए थे न्यूक्लियर रिएक्टर जी हां प्यारे साथियों न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब हुआ विद्युत उत्पादन के लिए जो अपन लोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ना कराते हैं जिसके अंदर 235 को बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़कर बिजली का उत्पादन किया जाता है उनका उपयोग करने के लिए अमेरिका ने दुनिया में सबसे पहली बार स्नैपटेन ए नामक न्यूक्लियर रिएक्टर अंतरिक्ष में भेजा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूर देखिएगा द हिंदू के अंदर अगेन ये न्यूज छपी है मैंने आपसे कहा ना कुछ बच्चे पूछ रहे थे द हिंदू पढ़ना चाहिए यानी मैंने पढ़ा दिया उसके बाद फिर और पढ़ लेना एक बार ठीक है उससे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी खुद से खुद को हो जाएगी क्या है स्नैप स्नैपटेन एज वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इन स्पेस ये बहुत बड़ा सवाल है दुनिया में पहली बार जो न्यूक्लियर रिएक्टर भेजा गया था फिर सरख सुर्खियां आज क्यों आ रही हैं? जब बहुत पहली बार भेजा गया था क्योंकि ये तीन अप्रैल को भेजा गया था तीन अप्रैल उन्नीस को भेजा गया था कल तीन अप्रैल ही थी तो कल ये अखबार में न्यूज छपी थी तो हमने हमने इसको क्यों ले ले लिया हमने ले लिया इसलिए कि भाई दुनिया का पहला था ये सैटेलाइट के साथ यानी अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर भेजा गया था तो वो दुनिया में पहली बार कब भेजा गया था तो अप्रैल तीन उन्नीस को भेजा गया था कितने दिन चला गये? ये ये मात्र तैतालीस दिन ही रन कर पाया था उसके बाद ये बंद हो गया फिर पूछेंगे सर चिंता की बात है कि नहीं है हमने कहा चिंता की बात उसमें यूरेनियम है महाराज बोले तो हमने कहा वो यूरेनियम गलती से वो सैटेलाइट अब तो तैतालीस दिन के बाद उन्नीस में वो केवल तैतालीस दिन चला उसके बाद से आसमान में तैर रहा है कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा वो जब कहीं गिरेगा सोचकर देखो कि उसके ऊपर तो न्यूक्लियर बॉम्ब खुद ही गिर जाएगा और तो और हथियारों की होड़ की तरह सैटेलाइट में भी होड़ मची थी आपको मालूम होगा दुनिया का पहला जो मतलब सैटेलाइट भेजने का प्रयास था वो स्पूतनिक था जो यूएसएसआर ने किया था यूएसएसआर को बुरा लगा कि हमसे आगे अमेरिका कैसे निकल गया उसने दुनिया के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया अंतरिक्ष में उसने, भाई रेल लगा दी. उसने तीस पैंतीस न्यूक्लियर रिएक्टर अंतरिक्ष में टिका दिए अब वो भी सब फ्यूज पड़े हुए हैं अब वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर तैर रहे हैं वो कल को अभी कहीं गिर गए तो न्यूक्लियर बॉम्ब से कम थोड़ी हमला करेंगे वो वो भी तो यूरेनियम से बने हुए हैं आप विचार करिएगा ठीक है तो ये देखिए आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी जो दुनिया भर के अंदर आईएईए का निर्धारण करती है उसका क्या है ऑन द डे ऑफ 1965 फर्स्ट सैटेलाइट सैटेलाइट पावर्ड बाय न्यूक्लियर फिशन वाज लॉन्च्ड एज स्नैप ए दिस वाज लॉन्च्ड फ्रॉम दी वेंडनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स आपको उस समय की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं ये वो सैटेलाइट थी और इस प्रकार से प्रक्रिया उस समय पर की गई थी अमेरिका के द्वारा ये बात कितनी गंभीर हो सकती है आप इसका अंदाजा इससे लगाइए जरूरत क्या थी पहले तो यह समझिए जरूरत यह थी सैटेलाइट चले कैसे आप कहेंगे पेट्रोल डीजल भेज देते तो कितना भेजें और फिर ऊपर ऑक्सीजन है नहीं तो उसको जम जम चलाने के लिए आपको ऑक्सीजन भी यहीं से भेजनी पड़ेगी न्यूक्लियर रिएक्टर के केस के में यह सब खर्चा पानी है नहीं न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में तो आपको केवल न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करानी है यानी कि आपको यूरेनियम को बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ना है ये कारनामा करने में अमेरिकियों ने तगड़ा कमाल किया आप यह कारनामा होते हुए देख सकते हैं यह यूरेनियम की रॉड रखी जा रही है जो कि बिजली का उत्पादन करेंगे सोचो यही सब चीज तो ईरान अब जाके बना रहा है यूरेनियम की रॉड से बिजली उत्पादन का काम ईरान अब कर रहा है अमेरिका खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उन्नीस सौ में तो अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर भेज चुका था आप इससे अंदाजा लगाइए टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो दुनिया में कैसे राज करता है अंदाजा लगाइए कि इन्होंने दुनिया में और ये न्यूक्लियर रॉक रिएक्टर अंतरिक्ष में भेजा गया अंतरिक्ष में बकायदा भाई साहब ये न्यूक्लियर रिएक्टर चला भी है तैतालीस दिन तक इसने अंतरिक्ष में यात्रा भी की है अर्थ की चारों तरफ सोचकर देखिए कि किस लेवल की रिसर्च ये लोग करते थे उम्मीद है आप लोगों को यह चीज देख करके अंदाजा हो रहा हो कि टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिका आज जहां है वो असल में टेक्नोलॉजी के कारण है देखिए इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर डाल के भेज दिया कि अंतरिक्ष में जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर तैरेगा देख रहे हो क्लियर ठीक है इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंदर भेजा था इन्होंने इसका नाम था स्नैप टेन ए 500 वाट बिजली उत्पादन के लिए इसको भेजा गया था और इसको इस तरह से उस समय पर भेजा गया था ठीक है अब चर्चा में क्यों आया क्योंकि 3 अप्रैल तारीख गई थी तो यहां पर ये चर्चा उड़ता फिरता जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये लोगों को दिखाई दे गया यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि क्या अंतरिक्ष में तैर रहा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो किसी पर कभी भी फट सकता है आंसर है जी हाँ। और तो और अमेरिका अब तक उसका कुछ कर क्यों नहीं पाया क्योंकि उसको कहां ड्रॉप किया जाए इसको लेकर वो डरा हुआ है क्योंकि अब उस पर कंट्रोल तो है नहीं वो स्पॉन्टेनियस चल रहा है उसको कहां गिरा जाए तो फिर आप पूछेंगे तो फिर ऐसे तो वो कभी भी गिर सकता है मान ये रहे हैं कि 200 साल तक तो वो अभी भी तैर सकता है क्योंकि तैरने में उसको फ्रिक्शन लेस मोशन मिल रहा है बेतरतीब तरीके से घूम रहा है लेकिन जब वो बेतरतीब तरीके से घूम रहा है तो किसी सैटेलाइट से टकरा सकता है या फिर कभी ऐसा हो जाए कि वो खुद नीचे गिर जाए इसके तो केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं स्नैप क्या था तो सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर प्रोग्राम था स्नैपशॉट के नाम से इसको जाना जाता है और इसमें जिरकोनियम हाइड्राइड जो है इस तरह से रॉड लगाई गई थी इसको ठंडा करने के लिए ठीक है ना मॉडरेटर के रूप में पूरी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर अमरीकियों ने भेज दिया था यह स्नैप था जो कि मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है अब आप इधर देखिए एक खबर है दो की डेड न्यूक्लियर रियक्टर्स इवेंचुअली हिट दी अर्थ मतलब आप सोचकर देखिए जो दुनिया अभी न्यूक्लियर वॉर से इतना डर रही है उन्हें असल में डर किस बात का होना चाहिए अंतरिक्ष में अमेरिका ने और रशिया ने ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैरा रखे हैं मतलब आप सोचिए कि कल को अगर कभी स्पेस वॉर हो जाए और उस स्पेस वॉर में केवल एक टेक्निकल ग्लिच बोल करके यह कह दिया जाए कि हमको क्या पता था कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर नीचे गिर जाएगा आप सोचिए जिस समय हम और आप सरवाइव करने की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय अमेरिका और यूएसएसआर अंतरिक्ष के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एडजस्ट कर रहे थे आप इधर देखिए मोर देन थर्टी डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स पावर सैटेलाइट स्टिल ऑर्बिट अर्थ और अभी तक अर्थ की चक्कर लगा रहे हैं द यूएस एवर लॉन्च वन अमेरिका ने केवल एक भेजा, बाकी जो है ना नाइन यूएसएसआर के द्वारा भेजे गए थे है। है उनके अंदर। ठीक है? अब उनका क्या होगा ये चिंता की बात है ठीक है ना एट ए हाइट ऑफ अवर अडोरिशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्पेस एजेंसी एक्सपेरिमेंट विद लॉन्चिंग न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड अच्छा इंटरेस्टिंग बात इनका तो 45 दिन या 43 दिन चल भी गया था अमेरिकियों का इनके रिएक्टर चले भी नहीं वो यूरेनियम लेके ही घूम रहे हैं एक प्रकार से ऊपर ही एडजस्ट हो रखे हैं हाँ भाई ठीक है उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य समझ में आ गया क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य बनाया तो इस तरह से गया था कि ऊर्जा मिलेगी लेकिन यह मिशन पूरी तरह से खत्म सिद्ध कर दिया गया क्योंकि इसने ज्यादा दिन तक काम नहीं किया जिस उद्देश्य से भेजा गया था यह सरवाइव नहीं कर पाया ठीक है क्लियर हो गया अब सवाल बनेगा क्या इस पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है बिल्कुल कैसे असल मायने में देखिए आप इधर की तरफ पहले भी इस तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछता रहा है जैसे यूपीएससी 2014 का ये प्रश्न आप देख रहे हैं 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 जिसमें जिसमें क्या है कि जो भी मिशन भेजे भेजे गए गए वो किस काम के लिए भेजे गए उनको टेबल के अंदर पूछा गया है तो स्नैप टेन ए पूछा जा सकता है पुराना मिशन है पूछा जा सकता है किस उद्देश्य के लिए जाना गया था उम्मीद है आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी जानकारी पसंद भी आई होगी ठीक है ना अच्छा आगे चलते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर है ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं एलन मस्क इन्होंने साहब ट्विटर का चेहरा ही बदल दिया है ट्विटर पर अभी डॉजी कॉइन का चेहरा लगा दिया डॉजी कॉइन के रेट ऊपर चले गए हैं ठीक है ना ट्विटर के सीईओ हैं ये प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच में नए वंदे भारत की तो रानी कमलापति के ऊपर नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की वो की गई है लॉन्चिंग की गई है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो है ये भविष्य में मतलब हमारी जो चलने वाली ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ाकर पिचहत्तर हो जाएगी ये टारगेट है तो इसके अंदर देखिए क्या क्या जानकारी यहां पर दी गई है वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है क्या इसकी विशेषता है कितना अधिकतम स्पीड पर चल सकती है ये सारी जानकारी दी गई है ऐसे ही सी एम आई ई डेटा ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर छह से लेकर पंद्रह तक ये सारे आपको यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं ठीक है ना सात पॉइंट आठ परसेंट तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़कर के इतनी परसेंट तक पहुंच जाएगी आगे बढ़ते हैं किस वित्त पिछले वित्त वर्ष में तो ये क्वेश्चन मैं आपको सारे के सारे रिटर्न फॉर्मेट में दे रहा हूँ आप इनको रीड कर लीजिएगा ये सारा कॉन्टेंट आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा वहां पर आप इन्हें प्रॉपर तरीके से अभ्यास कर लीजिएगा रीड करा लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साहब इसके साथ में महत्वपूर्ण दिवस में तो भाई महावीर जयंती कुछ जगह पर कल मनाई गई थी कई जगह आज मनाई जा रही है छुट्टी कल थी इसलिए आप सभी को पास्ट में ही महावीर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं ठीक है साहब मैपिंग की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है मैं आपको फिर से याद दिला दूं हमारा एप्लीकेशन जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है अपनी पाठशाला का यहां पर पेड क्लास सेक्शन में हमारी मैपिंग की क्लासेस हैं मैपिंग की क्लासेस के साथ साथ ही उसी बैच में ही आपको भविष्य में आने वाली इंडियन ज्योग्राफी उसी प्राइस में आपको पे कितना करना है ही इंडियन ज्योग्राफी में ही इंडियन मैपिंग इसी में ही इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी ये सारी सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे बैच यहां से शुरू हुआ है सवाल बना हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो छूट गया वो कब मिलेगा तो जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा मई पंद्रह तक खत्म हो जाएगा या बीस तक खत्म हो जाएगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल जाएगा ठीक है तो ये अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर है आप इसे डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन के ऊपर तीन तारीख से बैच शुरू हुआ है आप इसे इंस्टॉल करें अपनी पाठशाला एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे साथियों ने एक लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनके द्वारा बेहतरीन रेटिंग दी जा रही है यदि आप भी हमारे पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे इस एप्लीकेशन को रिव्यू करें और बताएं कि आपको किस तरह का कॉन्टेंट यहाँ दिया जा रहा है बेहतरीन करने का निरंतर प्रयास है निरंतर प्रयासों में आपके फीडबैक कॉल भी हमसे हम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं हमारी टीम आपको कॉल करके भी पूछ रही है और भविष्य में हम आपके डाउट सेशंस के लिए भी टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं और तो और आप लोगों के लिए डाउट पर कॉल सेंटर पर भी टीचर्स अवेलेबल हो यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है वन ट्रिपल के अंदर कोर्सेज उपलब्ध हैं डेडिकेटेड जनरल अवेयरनेस कोर्स जो है वो आपके लिए तैयार किया जा रहा है मात्र वन ट्रिपल नाइन के अंदर ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री की क्लासेज हैं वर्ड ज्योग्राफी हमने मार्च में कवर करा दिया था ये जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगी तुरंत तो ये भी आपको मिल जाएगी तो जो बच्चे आज नए ऐड होंगे उन्हें पुरानी क्लास तो नहीं दिख रही है लेकिन जब उनका ये कंप्लीट होगा तब उनको फिर से उपलब्ध हो जाएगी ठीक है ना तो ये सारे कोर्सेज हैं बिना किसी परेशानी के आप इन्हें ले सकते हैं टेलीग्राम पर हमारा चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से है ये सारे फोन नंबर्स हमारे एक्टिव हैं जिन पर आप कॉल करके हमारे कॉल सेंटर से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ साथ बस फोन नंबर हमने आपको शो कर रखें फिलहाल के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें धन्यवाद